मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिस मजहब में नारी को खेती तीन तलाक और हलाला और मिशार एफआईआर कैर सौतन का अत्याचार क्यों माने हम इस्लाम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक्स मुस्लिम एंजल। हेलो एवरीवन, सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आज काफ़ी लेट हो गया, और क्योंकि रीज़न ये है, एक तो वाईफाई का, और सेकंड रीज़न है कि मुझे कमेंट जितना भी आ रहा है वो शो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, और मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं ये भी समझ नहीं आ रहा यार, बड़ा बेकार सा हो रखा है। मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज बता दें कि आवाज आ रही है, क्योंकि या कोई ज्वाइन कर ले ताकि समझ आ जाए। हेलो, यस आ रही है, यस। अच्छा, कमेंट किस 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 को नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, जरा कोई बता सकते हैं क्या? पता नहीं यार, ये क्या क्या होते रहता है, समझ ही नहीं आ रहा है। गाइस, आप लोग प्लीज वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और थोड़ा सा बताइए कि आवाज क्लियर है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, हमारे एक सेकंड, हमारे गेस्ट आए, उनको लेते पहले। वेलकम इंडियन जी। जी एंजल जी नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है। ओके, बहुत देर से पता नहीं क्या लोचा होता है, आ गई वॉइस, हेटेड भाई भी है, तो सभी का वेलकम, और टाइम मिले तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा हेटेड भाई। हाँ, थोड़ा सा आज लेट हो गए, इसके लिए सॉरी गाइस। क्योंकि वाईफाई भी धोखा देता है, ऊपर से क्या बोलते हैं, सेटिंग भी ऐसी की तैसी हो जाती है, इसको ठीक करने में ना थोड़ा सा टाइम चला जाता है। हाँ, कोई नहीं, बाकी सब ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने, थोड़ा एक दो कमेंट लेते हैं फिर। जेरी भाई कह रहा, हाँ आ रही है आवाज। ओके, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दे और हम लोग फिर अपने टॉपिक पे चलते हैं। इंडियन भाई कैसे हैं आप? जी अंजल जी, मैं बढ़िया हूँ। टॉपिक क्या है आज आपका? हाँ, अच्छा आज का टॉपिक। टॉपिक है, अच्छा है, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे जो मोमिन भाई हैं वो अच्छे होते हैं, वो बेचारा, हमेशा उनका एक कहना होता है कि इंसानियत फैलाओ, है ना, इंसानियत फैलाओ, और हमेशा भाईचारगी दिखाता है इसमें, इस जो मजहब है, इस्लाम का मजहब है, इसमें कभी भी भेदभाव करना नहीं सिखाता है, इसमें जाति धर्म नहीं आता है, इसमें ऊंच नीच नहीं आता है, ये हमें मोहब्बत करना सिखाता है, ये हमें पीसफुल रहना सिखाता है ना। जी लेकिन असलियत तो इसका कुछ और ही होता है ना, जैसे कि आज ही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनकी असलियत क्या है, इनकी सच्चाई क्या है। कि जितने आपको तो लग रहा है ना कि हाँ भाई ये लोग हमारे अपने हैं, मतलब हम इनके इस, मतलब हर सुख दुख में शामिल होते हैं, तो ये भी हमारे सुख दुख में शामिल दिल से ही हो रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों की भूल है और ये गलत फहमी है कि वो सेम ऐसा ही करके आते हैं जी। एक्स मुस्लिम डिबेट रिव्यू ऑफिसर एंजल जी नमस्ते। नमस्ते भाई। बापू जी आ गए, फ्री थिंकर भाई को कर रहे हैं नमस्ते। हमने ट्रुथ भाई को भी भेज दिया था लिंक,
वो भी ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी इंडियन भाई, कुछ आप बोले, आपको मिल गया जी ना? जी टॉपिक जो है आप शुरू करें, और जो आपका टॉपिक है उसको मतलब बैकअप करने के लिए एक कुरान की आयत भी है। अब हदीस होती तो हमारे मुसलमान भाईजान कहते कि नहीं, ये तो दईफ है, ये हसन है, लेकिन कुरान की आयत है, कुरान की आयत को काटा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हदीस को तो ये लोग कहते हैं कि हम हदीस को मानते ही नहीं है, हदीस वदीस क्या है, हम इसको कुछ वैल्यू ही नहीं देते इसका। लेकिन जब कुरान है तो इंडियन भाई, नहीं आपको एक बात बताना, ये लोग अजीब है, दोगलापन इनके इनके अंदर। ये कभी तो कहेंगे कि हम कुरान को नहीं मानते, कभी फिर कहेंगे कि हम हदीस को नहीं मानते, इनका अलग ही चलता है। नहीं, और इससे बड़ी बात कह दूं, जब हम कोई सवाल अगर रखेंगे, पूछेंगे कि कुरान में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तब कहेंगे इसकी जो है इसकी आप शान नजूल देखो, उसके बाद कहेंगे कि इसके लिए आपको ये वाली हदीस पढ़नी पड़ेगी, और उसमें भी अगर नहीं मानेंगे फिर कहेंगे इसकी तफसीर ये वाली पढ़ो तब आपको समझ में आएगा। तो सवालों का जवाब देने के लिए इनके पास हदीस है, तफसीरें और शान नजूल, ये तीनों चीजें होती हैं, लेकिन जी जब हदीस से सवाल पूछे जाए तो उससे पलट जाएंगे कि नहीं हदीस हम नहीं मानते, तफसीर से सवाल पूछे जाए तो कह देंगे कि नहीं तफसीर जो है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और शान नज़ूल इन सारी चीजों से सवाल पूछा जाए तो कह देंगे कि उस समय देखने के लिए कौन था, आप जो कह रहे हैं हम उसे कैसे मान लें। जी बिल्कुल, तो हम वो शो करना चाहेंगे, अगर आप शो करना कर सकते हैं तो वो आप शो कर दीजिए, एक बार पढ़ देते, फिर हम मोमिनों को बोलेंगे कि आप आइए और बात कीजिए, और आज अगर मोमिन नहीं आए तो फिर नॉन मोमिनों से भी राय लेंगे कि उनकी वो क्या सोचते हैं इस टॉपिक पे, क्या कहते हैं आप? जी, मैं सबसे पहला लिंक सबसे पहले शो कर रहा हूँ, जी देखिए स्क्रीन ले ले मेरी ऊपर। जी, थोड़ा छोटा दिख रहा है। हाँ, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, देखिए अब आ रहा होगा बड़े में। जी, तो थोड़ा सा और बड़ा कर दे, मुझे लगता है। इससे ज्यादा होगा तो अब स्क्रीन से ही निकल जाएगा। इतने जी में पढ़े आप। रहने दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं, ये सवाल है, जब कोई गैर मुस्लिम मर जाता है, गैर मुस्लिम बोले तो जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, है ना, जब कोई गैर मुस्लिम मर जाता है तो क्या इसके मरने पर फिनारे जहन्नम कहना होता है या नहीं? जवाब, हमें यह यकीन है कि हालत हालत कुफर पर मरे हैं, मतलब हालते कुफर पर मरे हैं, यानी कि वो अल्लाह को नहीं मान रहे थे और वो बुत परस्ती कर रहे थे, या फिर सीधा सी बात है कि सीधी सी बात है कि अल्लाह को नहीं मान रहे थे, बाकी वो कुछ भी कर रहा है उसका तो कोई काउंटिंग नहीं है, उसका गिनती नहीं है। तो कह रहे यहाँ पे हालते कुफर पर मरे हैं और जाहिर है कि अलामत से बिल्कुल वाजी है, तो हम इसे जहन्नुमी कह सकते हैं, इनके लिए फिर नारी जहन्नम का अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोया ऐसी खुनसंत से साबित नहीं है, और सॉरी, अच्छा ये सुन्नत से साबित नहीं है, ये बातें ऐसी है, लेकिन आप सेकेंड वाला भी दिखा दे, है ना, जो कुरान से साबित है। जी, कुरान से जो साबित है उसे दिखाएंगे। हाँ, उससे पहले मैं एक लिंक और शेयर करना चाह रहा हूँ, शेयर दिस टैब। तो इसमें भी जो वर्स है जी वो लिखी हुई है, और साथ ही साथ देखें अगर इसकी प्ले कर देते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि हम अपनी तरफ से कुछ शो कर रहे हैं, तो इसको प्ले भी कर बिल्कुल देते हैं एक बिल्कुल, बार, है ना। देखें आवाज अगर आ रही होगी तो बताएगा, नहीं आ रही होगी तो फिर आप पढ़ते।
जी आवाज आई क्या? जी, आई आई आवाज आई। जी, और इसको और पुख्ता करने के लिए अभी ये जो है, ये हो सकता है कि जो मोमिन भाईजान है वो कह दे कि नहीं, इस वेबसाइट को हम नहीं पहचानते हैं। तो जी इसी को मैं अब Quran.com से भी प्रेजेंट करने लगा हूँ, और ये आ गया आपके सामने जी Quran.com, जो कि है अलबैना, अलबैना की 6 नंबर की आयत है, 6 नंबर की वर्स है, चैप्टर नंबर 98 वर्स नंबर 6, और ये अरबी है और उसकी जी इंग्लिश और हिंदी में टेक्स्ट है, ट्रांसलेशन है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ देता हूँ। सबसे पहले अच्छा, आप पहले जी अरबी पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश और हिंदी पढ़ देता हूँ इसकी। जी अरबी पढ़ दें हम, है ना? थोड़ा सा और मुझे लगता है, बड़ा कीजिए। अच्छा, रुकिए 1 मिनट। हालांकि इसमें भी अरबी हम बस प्रभाव भी हाँ सकते हैं, से प्ले भी कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोमिनों के लिए। जी, इन्नल्लज़ीना, चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। इन्नल्लज़ीना काफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फिन्नारी जहन्नमा खालिदीना फीहा उलाएका हुम मुसरे अल्लयारी। तो हमने अरबी पढ़ लिया, और आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ जो हिंदी है वो हम पढ़ दें, इंडियन हाँ, भाई। मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? ओके हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, हमारे साथ सफी चीचा है, तो हम उनको इनवाइट करना चाहेंगे। जी भाई, आ रही है। हम कहते हैं सफी चीचा, जरा एक बार आप भी तशरीफ ले आए, जरा आपसे भी थोड़ी बात हो जाए। जी, रब्बानी दी भी आई हैं, उनको भी ऐड करते हैं। वेलकम दी। थैंक यू एंजल, सॉरी मैं भूल गई थी आपका स्ट्रीम, अभी मैसेज दिखता तो ज्वाइन करी। ओके ओके जी, इंडियन भाई आप पढ़े। जी, इंडीड दोज हु डिसबिलीव फ्रॉम द पीपल ऑफ द बुक, पीपल ऑफ द बुक यानी बुक यहाँ पे कुरान को कहा जा रहा है। इंडीड दोज हु डिसबिलीव फ्रॉम द पीपल ऑफ द बुक एंड पॉलिटिस्ट विल बी इन द फायर ऑफ हेल टू स्टे देयर फॉर एवर, दे आर द वर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग्स। निस्संदेह जो लोग अहले किताब में से काफिर हो गए तथा मुशरिक यानी मिश्रणवादी, तो वे सदा नरक की आग में रहेंगे, और वही दुष्टतम जन है। दे आर द वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स। शर्गुलवरिया जी वाली जो बात है वो यहाँ पे लिखी हुई है, और साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि वो हमेशा नरक की आग में यानी कि जहन्नम की आग में जलेंगे। अब मैं वापस से इस पे ले आता हूं कि इस सवाल का जो जवाब जो दिया गया है, इस जवाब को जी आप एंजल जी और पढ़ना चाहेंगे आगे, जो भी चीज ये पूरी लिखी हुई है। किसकी जवाब? ये जो ये तो ये फिर सवाल से है। स्क्रीन कट रहा है। अच्छा, ये अच्छा, पूरा हाँ, जो पूरी बात लिखी हुई है, जो पूरा जवाब लिखा हुआ है इन्होंने, उसको आप अगर पढ़ना चाहें पढ़ दें उसको। जी, यहाँ पे फिर वही वही चीज सवाल है। जब कोई गैर मुसलमान मर जाता है, तो क्या इसके मरने पर फिनारे जहन्नम कहना होता है या नहीं? जी, ये सेम चीजें वही है जो उसमें लिखा हुआ था। अच्छा, हाँ सही है। तो टॉपिक तो इतना सही था, और हमने कितना जो सही सबसे है, बड़े, लेकिन जी लेकिन हाँ भाई नहीं, वही है, इसमें बड़ी बात है, और बड़ी बात यह है कि ये चीज को इस चीज की बैकिंग के लिए, मतलब इस चीज की जो हुज्जत है वो कुरान से है। तो अब मोमिन भाई जान लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप आए और बताएं हमें इसके बारे में और थोड़ा सा, कि ये क्यों है, कैसे है, किन के लिए कहा जाता है, किन के लिए नहीं कहा जाता है, और उसको कहने से क्या हासिल होता है। जी बिल्कुल, क्या हासिल होता है? दूसरा नंबर की इंडियन भाई, कि हमारे जो मोमिन लोग हैं, वो क्यों आखिर इतना दिल में नफरत क्यों भरे भर के रखे हैं?
है ना। फिर वो ये बात कैसे कह सकते हैं कि हम दोनों मतलब बहुत प्यार करते हैं, हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है, आप लोग मतलब नफरत फैला रही हैं, हम तो हिंदू भाई से नफरत नहीं करते, ये सारी चीजें आप गलत फहमियां फैला रहे हैं, गलत तरीके से बता रहे हैं। तो वो आकर यहाँ पे बताएं कि ये क्या है, ये क्या चीजें बताई जा रही है। अगर हम नफरत फैला रहे हैं तो ये आपका कुरान और हदीस ये क्या कह रहा है ना, ये क्या कह जी रहा है, क्यों कह रहा है कि अगर कोई हिंदू अगर मर जाए, वो मर गया ठीक है, वो जिंदा नहीं है, वो मर गया, और आप जाके वहां पे कहिए कि फिर नारे जहन्नम, मतलब तुम हमेशा जहन्नम के आग में जलोगे। यार लाहौल बिल्ला कुवत अस्तगफिरुल्लाह, मतलब इतनी कैसे हो, क्या बोलते हैं यार, कठोर दिल कोई इंसान हो सकता है? कोई इंसान मर गया है ना, मतलब आप उसको जाके बद्दुआ दे रहे, फिर ऊपर से वो चला गया, उसके परिजन जो भी हैं वो रो रहे हैं और बिखर रहे हैं, और आप वहां पे जाके ये दुआ कर रहे हैं मन में कि अल्लाह करे कि तुम हमेशा जहन्नम की आग में जलो, कितने दोगुना और होते हैं ये लोग। वो भी अगर कोई जो है ऐसा इंसान मरा हो जो कि बहुत जिसको कहते हैं ना आमाल उसके खराब रहे हो, तो बात दूसरी है उनके लिए। फिर आप अगर जी कह रहे तो हो सकता है कि है ना कि आपको कुछ बुरा किया उसने, तो आप कह रहे हैं तो हो सकता है ना कि बद्दुआ निकलती है दिल से, ठीक है। लेकिन सिर्फ ईमान के बेसिस पे कि वो आपके ईमान को नहीं मान रहा था, ऐसा नहीं है कि वो खुदा को नहीं मान रहा था, खुदा को तो मान रहा था, लेकिन आपके वाले नाम से नहीं मान रहा था, सिर्फ इस वजह से आप उसको कह दें कि वो हमेशा जहन्नम की आग में जलेगा, तो ये कहां के? और जबकि जिस नाम को आप जानते हैं अल्लाह, उस नाम का अगर मतलब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल उस नाम का मतलब ही है डी गॉड, अल खुदा। अल्लाह मतलब अल खुदा, खुदा ठीक है। तो अगर जी उसका जी मतलब ही यही है कि डी गॉड, तो वो गॉड को किसी भी नाम से मान रहा हो तो मान तो वो गॉड को ही रहा है ना। लेकिन नहीं, बिल्कुल कि ये दरअसल ये नहीं, बात ऐसी नहीं है कि ये इस बात से चिढ़ते हो कि हम खुदा को नहीं मान रहे, ये नॉन मुस्लिम जो है वो खुदा को नहीं मान रहे, नहीं, इनका सिर्फ ये अकीदा है कि हम खुदा को उसी नाम से मानना चाहिए जिस नाम से ये मानते हैं। तो जी अल्लाह जो है ये नाम, इस नाम के ऊपर इनकी सारी दारोमदार जो है टिके हुए नहीं, हैं। एक एक सेकंड, बात ये हो रही है ना कि अगर कोई काफिर मर जाता है उसके लिए जहन्नम की दुआ करो, यार मैं तो बोलती जितने भी हिंदू लोग नॉन दूसरे नॉन मोमिन लोग देख रहे हैं ना, जब भी कोई ये मुस्लिम बीमार होते हैं या कोई कुछ भी होता है ना, तो ये लोग भागे हुए जाते हैं उसके लिए, प्रेयर करते हैं इसको जल्दी ठीक कर दो। मैंने खुद देखा है, जब भी कोई एम्बुलेंस जाती है हमारे घर के पास, लोग हैं वो हिंदू है, तो वो लोग क्या करते हैं, हर कोई एम्बुलेंस में कौन भी रहने दो, उनके लिए प्रेयर करते हैं इसको जल्दी ठीक कर दो, इनके बीवी बच्चों में ठीक करके जल्दी से भगवान ऊपर इनको मतलब सही कर दो, सेहत आप कर दो, ऐसी दुआ करते हैं। और ये लोग ऐसी बातें करते हैं, शर्म नहीं आती इनको? मैं तो चाहती हूँ ये डॉक्टरों को दिखानी चाहिए ये दुआएं इनके बारे में, तुम लोगों के लिए क्या बोलते, पहला इंजेक्शन लगाओ जहर का इनको आए तो। क्या नहीं देखिए बोलते रब्बानी जी, हम अपने हैं? स्ट्रीम से ऐसी बातें ना करें तो अच्छा है। और देखिए कि अब जैसे मान लीजिए कि एक ना बिच्छू है, उसकी आदत है डंक मारने की, वो डंक मारते रहेगा। अगर वो डूब रहा होगा, अगर उसको आप पानी से बचाने जाओगे तब भी वो डंक मारेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आप उसको बचा रहे हो, वो डंक ही मारेगा। तो बिच्छू जब अपनी फितरत नहीं छोड़ रहा है तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दें, जी बिल्कुल, ना? ये उनकी फितरत है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ तो नहीं, मोमिनों का ये जो अभी आकर के अभी कोई मोमिन आए और ये चीज मुझे बताए कि अभी उनकी जो है भाईचारगी, पीसफुल, हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत कहाँ चला गया? अभी कौन नफरत फैला रहा है? और कौन से ऐसे अल्लाह हैं जो ये सिखाता है कि कोई मरने के बाद भी, मतलब जीते जी तो इन्होंने पूरा कुरान में भर ही रखा है कि जहां देखो मारो, काटो, ये करो, वो करो, मतलब मरने के बाद भी उसके ऊपर जाके बद्दुआ पढ़ो। अच्छा, ये हंसदा जी का एक कमेंट है, उसको जरा ऊपर लेने एंजल जी अगर ना देखें तो। हंसदा, हंसदा HANSDA, हाँ जी, जी। देखिए ओके हंसदा जी, ये जो है ना, ये आपने जो संधि विच्छेद किया है ये गलत है। अल गॉड नहीं, अल मतलब गॉड नहीं होता है, अल मतलब होता है द, जो आप AN द पढ़ते हो इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स। तो अल जो इंग्लिश में जो द है, जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, वो अल होता है।
और लाह जो आपने किया है तो लाह मून है, सही बात है, लेकिन अल्लाह का जब आप संधि विच्छेद करते हो तो अल्लाह नहीं होता है, अल इलाह होता है। और ये अरबी का कायदा है कि अल इलाह जब लिखते हैं तो उसको जोड़ के लिख देते हैं, अल्लाह हो जाता है। तो उसका अगर संधि विच्छेद आपको करना है तो अल इलाह होता है, अल मतलब द और इलाह मतलब होता है गॉड, तो द गॉड, तो पूरा ट्रांसलेशन ही द गॉड है। जी अंजलि जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हेलो व्यूअर्स, लगता है एंजल जी का कुछ नेट का इशू आया है, और रब्बानी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है कुछ। तो फिलहाल हमने अपना टॉपिक तो प्रेजेंट कर दिया। हाँ जी, आप सॉरी सॉरी, हाँ हाँ सही, बड़ा इशू है आज, नहीं कोई मन बात सच्ची बता रहे, आज मन नहीं कर रहा था करने का, क्योंकि वाईफाई का इतना बुरा हाल चल रहा था कि बता नहीं सकते, लेकिन फिर सोचे यार क्या कहेंगे कि ये शेड्यूल कर देते हैं ये लोग और फिर ये गायब हो जाते हैं इस वजह से। जी, तो द हंटर भाई का एक सुपर चैट आया, जरा इनका कमेंट पढ़ते हैं। इस्लाम दूसरे धर्म के लोगों को कट्टर बनाने के लिए काफी है। इस्लाम दूसरे धर्म के लोगों को कट्टर कट्टर बनाने के बनाने के लिए लिए काफी काफी है। है, मतलब इनका खुद ये लाइन अपने अपने हाँ नहीं, बहुत बड़ी बात है ये, कि इसका मतलब जी, ये है कि इस्लाम जो है वो सिर्फ उनको ही नहीं जो इस्लाम को मान रहे हैं, बल्कि उनको भी जो उसको नहीं मान रहे हैं उनमें भी कट्टरता भरने के लिए काफी है। और अच्छा दरअसल ये बात हमने पिछले 2-3 सालों में ऑब्जर्व भी की है, देखी भी है ना, अपने ऊपर से भी, दूसरे लोगों के ऊपर से भी, तो ये बात में सच्चाई तो है। जी, बिल्कुल सही बोले। अच्छा, ये ऐसा बोलना चाह रहे, हाँ ये सही बात है, क्योंकि इस तरह का अगर मैसेज कुरान हदीस और लोग फॉलो करते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इंसान होगा भाई जो इस चीज को नहीं मानते हैं। ठीक है, जो नहीं, जो मतलब जानने के बाद, जो इस चीज को जानने के बाद फिर ये कह दे कि नहीं चलो ठीक है लिखी है तो लिखी है, ऐसा कोई नहीं होगा। जो जान लेगा, जो समझ लेगा नहीं कि ऐसा ऐसा लिखा है, वो फिर उसके खिलाफ कट्टर हो ही जाएगा। नहीं वो कहते हैं, पता तो होता ही है ना कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये चीज है। मुसलमान अगर कोई, जैसे ही कोई मोमिन मरे, तो जब हम ये खबर सुनते हैं तो हमें पढ़ना है इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब होता है तुम अल्लाह की तरफ से आए थे और फिर तुम्हें अल्लाह की तरफ ही वापस जाना है लौट कर। ठीक है, और जबकि जबकि अगर कोई नॉन मोमिन मरता है, मतलब तब हमें पढ़ना होता है फी नारे जहन्नमी व खालिदीना फीहा। इसका मतलब होता है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलोगे। तो ये दोगलापन है, ये दोगलापन है कि अगर आपके लोग मरे तो आप उसको जन्नत में हमेशा के लिए रखना चाह रहे हैं, है ना, और बाकी जो लोग हैं उनको आप ये कह रहे हैं कि हमेशा के लिए दोजख में जले। तो ये दोगलापन ही है जी। बिल्कुल और द हंटर भाई का ये सुपर चैट कंप्लीट करते हैं। एंजल जी, 15,000 सब्सक्राइबर्स की बधाई, समय के साथ आपका डिबेटिंग स्किल अच्छा हो रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, किसी को तो अच्छा ही दिखी। जी, थैंक यू भाई। जी इंडियन भाई, आप बोलिए कुछ, कंटिन्यू कीजिए, कुछ बोल रहे थे। हाँ इनको ले लेते हैं ना, शफी जी आए थे चैट में, क्या ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं? सफी चचा, अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे तो ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करके अपनी राय रखिए, अपनी बात रखिए कमेंट में।
बोलने से कोई फायदा आज नहीं है। आज हम आपसे डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसपे डिबेट करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, और आप भी इसमें डिबेट करके कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। बस हम आपसे सुनना चाहते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। आप जान के समझ के किनारे जहन्नम कहते हैं, या आपको सिखा दिया गया है इसलिए आप कह देते हैं, आपको खुद भी नहीं मालूम कि आप कह रहे हैं क्या चीज, क्या कह रहे हैं, या कह के बुरा लगता है कि हाँ मतलब कहा गया ऐसा कहने के लिए तो कह तो दिया, लेकिन हो सकता है कि अंदर से बुरा लगता हो। हम बस जानना चाह रहे हैं आपसे कि दरअसल बात क्या है, आपके दिलों का हाल आज हम जानना चाह रहे हैं। इस पे डिबेट, एंजल जी मुझे नहीं लगता है कि इस पे डिबेट हो सकती है, क्योंकि ये जी फैक्ट जी बदलने वाला बस तो है नहीं। ये तो जानना बिल्कुल चाहते वही, हैं, हाँ ये तो बिल्कुल बिल्कुल वही समझा बात हाल हो जानना गई, चाहते हैं। हाँ ये तो बिल्कुल वही जी बात हो गई कि सूरज रोशनी देता है कि नहीं देता, इस बात पर डिबेट करते हो, तो प्रोवन फैक्ट है, उस पर डिबेट नहीं हो सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आपने। करना भाई, आप अगर फ्री हैं तो आप भी ज्वाइन कीजिए, और हेटेड भाई अगर आप हैं तो फिर प्लीज ज्वाइन कीजिए, और जरा आप अपनी राय रखें, क्योंकि आज अगर मोमिन नहीं आएंगे तो हम सबका राय जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, मतलब किस लेवल का आप भाईचारगी भाई, जरा हमें भी सिखा दे। और नॉन जी मोमिनों से हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या ये पता है कि ऐसा कहा जाता है, या आपने कभी सुना हो, या आपको नहीं पता है तो अब मालूम चलने के बाद आप अपने जो बगल के मोमिन हैं उनके साथ आप क्या सलूक करेंगे, किस जिसको कहते हैं ना हुस्ने सुलूक आपका कैसा रहेगा। आप जी उनसे डरोगे, या आप उनसे बात करोगे, आप उनसे दोस्ती करोगे, या आप उनसे समझना चाहोगे कि ऐसा है या नहीं है, तो क्या हुस्न जी सुलूक आपका रहेगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। सुहेल भाई आ गए, सुहेल भाई नमस्कार। वेलकम हेलो, भाई। जी जी भाई मैं आप अभी कहाँ हैं? ऑफिस में हूँ, काफी अच्छा, देर हो गया। इसीलिए आपके बैक साइड से कुछ आवाज भी आ रहा है शायद। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैवल ट्रैवल भी अभी नहीं किया ना, अभी आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा मुझे रूम में रीच होने के लिए। ना ना, ओके कोई बात नहीं ओके, कोई बात नहीं, आप रहे स्ट्रीम पे रहे, जब आप पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे तब आप बात कीजिएगा। जी। अच्छा, हेटेड भाई भी शायद अभी बाहर ही है। जी कोई बात नहीं भाई, जब आप फ्री हो तो एंजल ज्वाइन जी, कीजिए। हेटेड डिबेट्स नहीं होता है, हीटेड होता है, दोनों बहुत अलग शब्द हैं। हेटेड का मतलब है जो जी, नफरत के साथ हेटेड डिबेट कर रहा, और हीटेड नफरत। मतलब गर्मा गर्म बातें, गर्मा गर्म डिबेट जो कर रहा। गर्मा गर्म बात। आपको पता शायद नहीं है कि मेरी इंग्लिश काफी लगाने कमजोर अरे दो भी हाथ लगाने वाला है। नहीं, ये एंजल जी कमजोर होना अलग बात है, लेकिन मतलब ही बदल देना दूसरी बात है। कमजोर ये कमजोरी का ही निशानी है ना भाई, आप भी गजब बात कर रही है, कमजोरी की निशानी ना कि एक ही जगह ई का हम गलत ये नहीं, पढ़ कोई बात नहीं, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। आपको मैं इंग्लिश सिखा रहे देता हूँ, आप मुझे उर्दू सिखा दें। हैं। अरे वाह। जी जी बिल्कुल, ये हमारे करना भाई आए। करना भाई, राम राम, राम राम भाई, राम राम, नमस्कार। सर वेलकम नमस्कार, शुभ भाई। संध्या। और वह टॉपिक टॉपिक तो आज आपने बड़ा आंखें खोल देने वाला लिखा। जी करना सॉरी, हाँ भाई मैं ये बताया, बता, हाँ करना जी भाई जी बताया मैं ये कि बता रहा था। आपको पता था ये चीज, आपको पता था ये चीज। नहीं, उल्टा हमें देखे, मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में था मेरे मुस्लिम दोस्तों के, और हाँ उनके जब ग्रुप में उनका कोई एक्सपायर हो गया, ऑफ हो गया, तो वो मैसेज आता था कि इन्ना लिल्लाही इन्ना, इस तरह से। हाँ तो अच्छा, बाद बाद में एक तो इस तरह से ये हुआ कि कोई के किसी के अगर खबर आई तो हम भी लिखने लग गए, हाँ और फिर किसी से पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है, तो पता चला कि ये जिनकी फौत दुआ है। होती है, हाँ, जो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी आत्मा के लिए शांति का ये पढ़ते हैं,
लेकिन आज आंखें, आज नहीं पिछले कुछ दिनों में आंखें खुल रही है कि आपके लिए इन्हें इस तरह से कहा जाता है कि भाई तुम जन्नत, तुम जहन्नम के यानी वासी हो और आप जहन्नम में ही जाओ, यानी जो हमारे अच्छा लिए। आ, आ, करना भाई, 1 मिनट लूंगा, बीच में जी पॉज बिल्कुल करूंगा आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हम अपनी स्ट्रीम के माध्यम से कोई नफरत नहीं फैलाना चाहते, और हम ये भी दावा नहीं कर रहे हैं कि हर मोमिन ऐसा कहता ही होगा। हमारा प्रश्न ये है, हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा जो टॉपिक है वो इस बात पे है कि ये चीज कुरान में क्यों लिखी है, और अगर लिखी है तो उसे कितने मोमिन फॉलो कर रहे हैं, और अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है वो इस बात को फिर कुरान में रहने क्यों दे रहे हैं। अगर फॉलो नहीं देखिए, करना है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मोरालिटी आपकी अच्छी है, बाय डिफॉल्ट आपकी मोरालिटी अच्छी है मोमिन भाइयों की। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जी हर मोमिन ऐसा कर रहा होगा, लेकिन जी आपसे मैं यही आपसे आप लोगों से मैं यही जानना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग ऐसा करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो फिर आप ये बताएं कि ये चीज कुरान में क्यों लिखी है, और जो लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। देखिए, सवाल बोलने के बजाय आपने जो कहा कि हर मुस्लिम से मैं भी नफरत नहीं करता, मैं किसी मुस्लिम से नफरत नहीं करता, बल्कि जो कट्टर है उनके बारे में मेरे दिल में सहानुभूति कि वो भी अच्छे पाथ पर आए। रहा सवाल हमारा कि हम क्या करते, हमें जैसे ही किसी की मौत की खबर मिलती है या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर या फिर कहीं और भी, तो हमारा सबसे पहला ये रहता है कि इसकी आत्मा को शांति मिले, ये जी हम लोग प्रार्थना करते हैं जी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भावपूर्ण यानी हमारे तहे दिल से, भाव जो दिल के अंदर का भाव है, ये इस भाव के साथ में भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और ये लिखकर हम हाथ जोड़ने वाला, नमस्कार वाला इमोजी डालते हैं, ताकि जो इस दुनिया को छोड़ गया तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग हमारे तरफ से प्रार्थना करते हैं। ताकि देखिए कॉन्सेप्ट क्या क्योंकि है कि देखिए, हमारे में। जी हाँ जी नहीं, मैं आपकी बात को कंप्लीट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे, या यूं कह लें कि हमारा जो विश्वास है उसके अकॉर्डिंग जिसने दुनिया छोड़ दी वो ना तो मोमिन बसता है, ना नॉन मोमिन बसता है, ना गुंडा बसता है, ना डकैत बसता है, ना कोई साधु बसता है। वो सिर्फ एक रूह है, और उस रूह का हिसाब किताब लेने का अधिकार सिर्फ ऊपर वाले को है। ना इस दुनिया से निकल जाने के बाद वो उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज नहीं जाती, उसके अमाल जाते हैं, कर्म जाते हैं, लेकिन वो फिर अपने आप में, वो जिसको कहते हैं ना कि वो ना तो गुंडा है ना डकैत है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तो हम तो हर किसी के मरने पे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। करना भाई, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बराबर है, बराबर है। और हमारे में तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन किसी भी बंदे की मौत के बाद में एक सर्टन टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर उसकी आत्मा इस लोक से उस लोक में ट्रैवल करती है, और जब ये जो ट्रैवल करने का जो प्रोसेस होता है, तो इस ट्रैवल करने के प्रोसेस में आपके कर्मों के हिसाब से आपकी आत्मा को भी यानी जाना पड़ता है। तो उसी प्रोसेस को, यानी उसी जो उस पाथ पे रहती, तो उस पाथ का रास्ता अच्छा रहे, शांति मिले उसकी आत्मा को, मोक्ष मिले, और उसकी आत्मा एक इंटेलेक्चुअली यानी इंसान से ऊपर उठकर देवलोक को प्राप्त हो, इसलिए हम लोग उसकी आत्मा को शांति देते, यानी शांति की प्रार्थना करते हैं। एज पर माई नॉलेज मैं ये बता रहा हूं। हाँ, इसके अंदर हो सकता है शास्त्रों के अंदर कुछ कम हो, ज्यादा हो, मैं शास्त्रों का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कर्म कांडों का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जितना मुझे पता है, जितना मैं एक्सरसाइज करता हूं, मेरा धर्म, मेरा व्यवहार, मेरे कर्म कांड, वो हिसाब से मैंने आपको बताया। जी। जी, अच्छा, हमारे लेकिन साथ हमारे साथ एक नॉनसेंस टॉपिक आतिफ भाई। सिद्दीकी अच्छा है जी, अच्छा ले उनका भी लीजिए ले वेलकम, लीजिए। और हमारे साथ एक, नहीं उनका क्या बोलते, माइक और कैमरा दोनों को परमिशन शायद नहीं दिए, वो इसीलिए वो उनको अच्छा, ले नहीं पाए। डिस्कनेक्टेड है।
तो जो जिनकी बात कर रही हैं एंजल जी, आप एक बार अपने माइक और कैमरा को परमिशन दें या फिर बाहर निकल के वापस जुड़ें, वरना हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं आता है कि हम आपको स्टेज पे ले सकें। तो आप एक बार वापस जुड़ें और फिर हमसे बात बिल्कुल करें। जी, आसिफ सिद्दीकी जी, ठीक है वो निकल गए। नॉनसेंस टॉपिक जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं अच्छा, आप मोमिन है क्या जी? जी? वालेकुम अस्सलाम, बताएं टॉपिक के बारे में बताएं क्या कहना है आपका? और बताएं, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? क्या ये दुआ पढ़ी जाती है, आप पढ़ते बिल्कुल हैं पढ़ी जाती है। तो भाईजान, क्या इससे क्या हासिल हो रहा है आपको? क्यों पढ़ इससे रहे हैं? जहन्नमी को जहन्नमी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अब कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलेंगे तो कुछ और बोलेंगे? अरे भाई भाई गधे को भाई गधा नहीं बोलेंगे भाई तो क्या बोलेंगे? भाई, आप ऐसी देखें, ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। नहीं तो देखिए, मैं मैं एग्जाम्पल आपसे आराम से, दे रहा हूँ मैं कोई डिबेट नहीं करना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे सिर्फ सुनना जी। चाह रहा हूँ, आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये समझ जी लिया है कि डिबेट करने से दरअसल कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपसे जी समझना चाह रहा हूँ, आपसे आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस बारे में। जी मैं कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूँ आप पे, है जी ना? बोले मैं बस समझ रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि ये बात अगर ऐसी लिखी हुई है तो, क्योंकि देखें ये बात जो लिखी हुई है, इससे ना तो नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, क्योंकि नहीं कह तो देने से, हाँ, बस ये है, दिल को बुरा लगता है। देखे ना, दिल को हम बुरा तो लगता ह्यूमैनिटी के, है। हम इंसानियत के हिसाब से नहीं चलते हैं ना। हमारी किताब है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। भाईजान, आप मुझे मोमिन नहीं लग रहे हैं, कोई मोमिन इतनी इतनी ये कड़क भाई अंदाज में साहब, बात नहीं करता है। हाँ भाई साहब का एक बार टेस्ट ले लो, मेरे कैसा ख्याल से टेस्ट हम लोगे? नॉनसेंस, हाँ नॉनसेंस टॉपिक वाले भाई का चार्ट में भी चलते रहता है, ये अपने वाले लग रहे मुझे। एक बार अरे कोई आ ही नहीं रहा इंडियन था तो मैं टेस्ट बन जाता हूँ। मैंने कहा कोई नहीं आ रहा तो मैं ही चला जाता हूँ। सॉरी, अरे कैमरा ऑन मैं हो जब गया से, भाई, हाँ नहीं ठीक है अरे ठीक कोई है, बैक मतलब कैमरा नहीं। था। हाँ, मैं जब से सदमे में, हाँ मैं बोला नॉनसेंस टॉपिक भाई के साथ में कितनी बार अपनी चैट होती है, कोई दूसरा बंदा आया बोला उस नाम से, लेकिन ऐसी जितना नूरानी, हिटलर ऐसी क्लियर नूरानी शक्ल सिर्फ मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। सही है सही है, सही हो गया जी। मैंने कहा कोई पहुंच और ही नहीं रहा हमारे तो मैंने साथ कहा मैं ही चला भी जाता हूँ। अच्छा वो निकल गया हाँ, नहीं एंजल ये, जी कुछ और कहना चाह है रही हैं, आप कोई बोलें। हाँ सीकर जी करके हैं कोई, ये आप अच्छा नॉन एंजल मोमिन है जी, सर या मोमिन है, कौन है? लेआउट हाँ चेंज कर दें, लेआउट चेंज कर दें। नहीं, मैं मोमिन नहीं हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन ये भाई से था, जो अभी अच्छा बोल रहे थे कि जो कुत्ते हैं या फिर जो बुल्ली है तुमको वही बोला जाएगा या गधे को गधा बोला जाएगा। तो मेरा उनसे एक ही सवाल है कि अगर वो मोमिन है तो मोमिन जो होता है उसके अंदर इंसान, वो बोले कि हम तो किताब फॉलो करते हैं, हमारा इंसानियत नहीं होती है। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी आदमी अगर पैदा होता है तो विदाउट इंसानियत पैदा होता है, क्योंकि इंसानियत कहाँ से, यानी वो पाई नहीं जाती है, तो फिर वो अंदरूनी होती है, हृदय से आ जाती है। तो मेरा ये सवाल था उनसे कि अगर कुछ लड़ाई होती है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है और वो एक्सीडेंट में कोई कोई भाई या कोई बहन आपके फैमिली मेंबर को बचा के अगर खुद उधर एक्सीडेंट हो जाता है उसका और आपके फैमिली मेंबर को सेव कर देता है, तो भी आपके दिल से यही दुआ निकलेगी कि, आपके दिल से पहले ये दुआ निकलेगी कि भाई ने यानी बहुत अच्छा काम किया और उसको जन्नत हासिल होनी चाहिए, या नहीं भी ऐसा होगा पर उसके लिए अच्छे ख्याल निकलेंगे आपके मन से या बुरे ख्याल निकलेंगे, बस इतने सा। वो कोई कौन है? नॉनसेंस भाई, यहाँ पे नहीं एक मैं बात बता, हम क्लियर कर देना वो कोई चाहते हैं, कौन है? हाँ नॉनसेंस टॉपिक आप जवाब दीजिए, आपकी आवाज कट रही है शायद। नेटवर्क इश्यू है क्या? नहीं नेटवर्क नहीं तो नहीं सही है। एंजल जी, उनका 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 नेटवर्क सही है, उनकी आवाज आ रही है, शायद आपकी तरफ दिक्कत हो थोड़ी बहुत। ओके हाँ, आप एक बार देख लें। जी, अच्छा तो इनका नाम नहीं पढ़ पा रहा, इन सर्च ऑफ ट्रुथ जी, नॉनसेंस टॉपिक जी मोमिन नहीं है,
वो सार्केस्टिकली बोल रहे थे, आप उनकी बातों का बुरा ना माने। और आप सवाल का जवाब सवाल का जवाब दे देता हूँ कि अगर कोई हेल्प करता है तो भाई है उसके अंदर इंसानियत, अच्छी बात है। लेकिन मैं जिन लोगों की बात कर रहा था तो आप एक बार डबल चेक कीजिएगा कि है वाकई में वहाँ या नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, बस मेरा बोलने का तरीका थोड़ा सा हार्श है। सीधी बात दो बकवास, जो वो लोग बोलते नहीं है ना वो मैं बोल रहा था बस। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि जो बात मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी इंसानियत इतनी यानी कोई इतना छोड़ते बात नहीं करेगा कोई भी, इसके लिए मेरे को थोड़ा ऐसा बुरा लगा। तो मेरा सिर्फ आपसे बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन था और मेरा कोई ऐसा जवाब दिया ना मैंने आपको, नहीं जवाब दिया ना मैंने आपको, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा उस चीज को। लेकिन जिन लोगों के बारे में बात चल रही थी उन लोगों के अंदर ये चीज नहीं पाई जाती बचपन से घुमा घुमा के चाबी एक ही चीज डाली जाती है उनके अंदर। और मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि जो आपने अभी जो दुआ बोली थी कि नॉन मोमिन के लिए बोली जाती है, तो मुझे ये लगता है कि ये जो मोमिन होंगे उनको भी पता होगी, क्योंकि ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी ये सुनने के लिए कि उन लोग ऐसे भी कुछ दुआ करते हैं। क्योंकि मेरे काफी क्लोज मोमिन फ्रेंड्स थे जिससे मैं बड़ा यानी हम लोग बड़े से छोटे से बड़े हुए हैं साथ में, तो भले ही उनमें डिफरेंसेस है जो दिखने में आते हैं, पर कल्चरली अगर आप देखा जाए तो यानी कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में लोग रहते हैं, तो जो भी मदद हो या फिर जो भी किधर इमरजेंसी आए तो उन लोग हमेशा यानी कोई ना कोई साथ में रहता ही है। तो मेरे इसके लिए वो थोड़ा मेरे को बहुत ही शॉक लगा कि उन लोग ऐसे भी कभी कोई दुआ कर सकते हैं यानी कोई भी इंसान। ये आपकी ह्यूमैनिटी है ना भाई, ये आपकी। अच्छा एक मिनट नॉनसेंस टॉपिक हुआ तो भाई रुके। एंजल जी स्माइल है शायद बैक स्टेज पे, आप उन्हें लेना चाहें तो ले लें, वो प्राइवेट चैट में लिख रहे हैं। एंजल जी नेटवर्क इशू है उनका, आप ले लो। नहीं नहीं मेरे पास कंट्रोल होता तो भाई मैं ले चुका होता ना। हाँ। तो भाई ने कितनी अच्छी बात की, भाई को बुरी लगी मेरी बात। क्यों बुरी लगी, है उनके अंदर ह्यूमैनिटी। लेकिन जिनके लिए मैं ये बात कर रहा था उनमें से एक डंगर को बुरी नहीं लगी, एक भी नहीं आया, और आया है तो वो ऊपर नहीं आ पा रहा। नहीं देखिए नॉनसेंस टॉपिक भाई, मैं फिर से बोलूंगा कि मैं नहीं मानता कि हर मोमिन ऐसा होता होगा या उसको पता होगा। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, सबको एक ही तराजू से मैं भी नहीं तौलता। लेकिन आप और मैंने बहुत सारे लोगों को काउंटर किया है, बहुत सारे लोगों को देखा है, मोस्टली अगर 10 है तो 10 में से 6 तो ऐसे ही होते हैं भाई। आज मैं आपको मैं एक लाइन देखिए 10 में से अगर दो भी हो, हाँ 10 में से अगर दो भी हो तभी भी जो 8 बचते हैं ना वो 8 लोग इस तरह से चुप रहते हैं कि वो 8 लोगों पे 2 लोग भारी पड़ते हैं, और इन दो लोगों की वजह से 8 लोगों का नाम खराब होता है। आज जरूरत ये है कि जो 8 अच्छे लोग है उनने उठकर खड़ा रहना चाहिए, उन्होंने बोलना चाहिए किनको कि जो दो जो एक्सट्रीमिज्म बताते हैं, जो दो कट्टरता बताते हैं, जो दो रेडिकलनेस बताते हैं, उनको बोलना चाहिए। यहाँ पर क्या है, गंगा जमनी तहजीब के नाम पे सारी चीजें एक ही कम्युनिटी के ऊपर थोपी जाती है, और जिस पर बोलना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल्स है, खास करके मुस्लिम समाज के जो पढ़ा लिखा तबका है, जो इंटेलेक्चुअल है, जिसे हम थोड़ा सा नॉर्मल लोगों से ऊपर का मानते हैं, राइटर है जो भी है, तो ये लोग बोलना पसंद नहीं करते, और ये जब भी मुंह खोलेंगे तो ये बात उसी तरह की करेंगे। नसरुद्दीन शाह को देखिए आप, इतना इंटेलेक्चुअल बंदा है लेकिन जब भी मुंह खोलेगा मुंह से डायरिया ही करेगा। जावेद अख्तर को देखिए, इंटेलेक्चुअल लेवल की हाइट है, मैं जितने लोगों में देखता हूं जो उसकी राइटिंग है, जो उसकी स्किल है, लेकिन जब भी बात करेंगे तो वो कोशिश करेंगे, या तो जब हिंदुत्व की बात आएगी तो मैं हिंदू धर्म की बात आएगी तो पिंच आउट पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब मुस्लिम की बात आएगी तो बताएंगे मैं एथिस्ट हूं, मैं मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं इससे बाहर हूं। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा, अभी बहुत क्रूशल टाइम है,
कि इनको आना पड़ेगा सामने, और जिस तरह से अभी मूवमेंट बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग लेकिन सामने आ रहे हैं भाई, अगर वो कह रहे हैं ना कि मैं एथिस्ट हूँ, ये कहना भी इसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए, जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं उस कम्युनिटी से निकलने के बाद। देखिए भाई, इसके अंदर मैं बताऊंगा, हिम्मत की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास पैसा है आप बिंदास निकलो। यहाँ पर शाहरुख खान खुलेआम गणपति बिठा था घर पे, किसी की मजाल है हिम्मत है उसके जाकर दो लफ्ज बोल दे। सलमान खान उसके घर के ऊपर गणपति बिठा था, गणपति की मिरौनुक में डांस करता। इस तरह से जितने भी बड़े बड़े ये है, रसूखदार है, इंटेलेक्चुअल बोलता सॉरी, पैसे से स्ट्रांग लोग है, ये लोग दारू पीते, खुलेआम शराब पीते, इनकी औरतें रखी हुई रहती, बाकी की चीजें भी करते, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है, उसके लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो गरीब है, जो नॉर्मल लेवल का बंदा है, उसका उसके लिए आप बिल्कुल ये करेंगे, उसको धमकियां आनी चालू हो जाएंगी, उसको गालियां मिलनी चालू हो जाएंगी। बहुत हो गया, एक दिन सारा अली खान अगर एक दिन अगर मंदिर में जाएगी तो उसको एक दिन फेसबुक पे गालियां देंगे, कोई उसको कॉल करके बोलेगा नहीं, या एक या दिन तक ये चलते रहेगा। हाँ बोल भाई, हाँ हाँ तो तुम मुंह काय को खोला, तेरे मुंह में भी डायरिया हुआ है, जब भी बात करेगा ना उल्टी करेगा, बात कर तमीज से कर, दूसरे लोगों से कर, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। अच्छा इस्माइल भाई, इस्माइल भाई देखिये, मैं पहले ही बोल, देख गालियां गलौज करनी की होंगी ना तो ये एंजल सिस्टर की स्ट्रीम है, इसके ऊपर मैं तमीज नहीं छोड़ूंगा। तू इज्जत में रहे, तमीज में रहे, किसी और स्ट्रीम पे मिल मैं तेरे को बताऊंगा। तेरे चैनल पे स्ट्रीम कर रहे हैं, एक मिनट, इनके साथ नाराज होने की बात नहीं है, इनका कल्चर है, इंडिया के मुसलमानों का कल्चर है गाली देना। सर प्लीज कंटिन्यू करें, इसलिए इसको बुरा नहीं माने। बिल्कुल बिल्कुल, इस्माइल भाई, इस्माइल भाई सुने, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आज हम डिबेट नहीं करना चाह रहे, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आज के टॉपिक के बारे में। आप क्या कहते हैं कि ये जो है ऐसा होता है या नहीं होता है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं आपसे। जबरदस्त टॉपिक है भाई, दिल को लगा मेरे बुरा नाम है, देखते कि भाग क्या, लेकिन तुम ना बोलने नहीं देते भाई, बीच में रोक देते, ये गलत है। मैं आपको बोलने दे रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या आप ऐसा देखते हैं, करते हैं, या आपने सुना है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं मेरे बारे में बताता हूँ, दो मिनट का टाइम दीजिए, पूरा क्लियरली सामने रख देता हूँ सर, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो देखो भाई, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे जो एक मुस्लिम है सचवाला, अगर वो मर जाएगा कभी, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, देखिए मैं आपकी डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आप किसी का भी नाम लिए बगैर अगर बात कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि देखें फिर जो उससे क्या होता है ना, फिर उससे हमें जवाब देने पड़ते हैं। तो आप किसी का नाम लिए बगैर आप बात करें, आप एग्जाम्पल में आप कोई ऐसा नाम ले लिए जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आप किसी का नाम लिए बगैर बात करें प्लीज। क्लियर जवाब कहाँ से होगा भाई, वो क्लियर जवाब कहाँ से होगा, मुझे क्लियरली समझाने दीजिए ना भाई। इस बार भाई मैं आपसे कोई बदतमीजी कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ क्या आपसे? आपने सवाल पूछा, मैंने आपसे गुजारिश की है, क्या वो गुजारिश आप मान नहीं सकते? सिर्फ एक गुजारिश की है कि आप किसी का नाम लिए बगैर बात करें। देखो भाई, इंडियन भाई मेरी बात सुनिए, इनको अली साहब से ये करने का था, बात करनी थी उनको, उनके साथ बात करने दीजिए, टॉपिक को रखिए बाजू में, उन्होंने प्राइवेट में मैसेज भी किए थे कि उनसे बात करनी बोल के, तो उनको उनसे बात करने दो, टॉपिक को रखो बाजू में, उनको उनके साथ में दे दो, चाहे तो आप बाकी के लोग बैकस्टेज कर दो। ठीक है चलो, मैं म्यूट करता हूं अपने आप को, आप भाई बात कर लें, आप अली साहब से बात कर लें। नहीं, पहले से ये इस टॉपिक के ऊपर जो ओपिनियन देना चाहते हैं इस्माइल भाई, पहले वो देने दें ताकि लोगों को पता चले इनकी ओपिनियन, इनकी सोच क्या है। बिल्कुल सही बात है, मेरी सोच ये है कि भाई जो सचवाला जो 26 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत कर सकता है, चार चार शादियां कर सकता है, इस्लाम को छोड़ सकता है और इस्लाम की ब्लास्फेमी कर सकता है, अगर वो मर जाएगा तो हम बोलेंगे दीनारे जहन्नम। फॉर एग्जाम्पल कुछ फेक एक्स मुस्लिम्स होते हैं, जब ऐतल कुर्सी पूछते हैं एक साल से तो नहीं बताते,
हम कुछ सवाल पूछते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं। जो साहिल है, जो सुकून सीकर पाप बिचारी बच्ची की जो जिंदगी खराब करा, मुन्ना बोला 15-15 लड़कियों को जो है सो बैक स्टेज पे ग्रुपों में लंगा किया जा रहा, भाई ऐसे इंसान जब मरते हैं तो हम बराबर बोलेंगे कि अल्लाह ताला इनको जहन्नम में डाल, इन्होंने जहन्नम में जाने वाले दिनारे जहन्नम। अगर ऐसे लोग मरते हैं तो अगर कोई कुछ लोग जो है सो इस्लाम छोड़ने पर अपनी लड़कियां देते हैं, पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं, भाई उनके गुलाम बन जाते हैं, उनको जो है सो न जाने गॉड बना लेते, प्रॉफिट बना लेते, बाबा बना लेते, हरामी बाबा बना लेते, भाई ऐसे अगर कुछ लोग अगर मरते हैं तो बराबर हम बोलते हैं कि भाई दीनारे जहन्नम मरना चाहिए। और कुछ लोग जो है सो मुसलमान का नाम लगा लेके आते हैं, मोहम्मद लगा लेते कोई या अली लगा लेते कोई, अगर ऐसे लोग भी मरते हैं तो हम बोलते हैं क्योंकि वो लोग इस्लाम के बावजूद रहते बावजूद, इस्लाम का नाम लेते हुए बावजूद दुश्मन की मदद करते, फसाद मचाने की बात करते, हिंदू मुसलमान में लड़ाने की बात करते, इंडिया पाकिस्तान की बात करते, ऐसे इंसान भी अगर मरते हैं ना तो हम इनको भी जो है सो दीनारे जहन्नम बोलते। जो औरतों की इज्जत खराब करता है, जो अनभक्त बन के पैसा लुटाता है, बच्चियां देता है, बीवियां देता है, अम्माएं देता है, बहना देता है, सब देता है, भाई 50 लाख रुपए का सच वाला किसी कैंसर पेशेंट के लिए लिया, भाई भाई मजाक है भाई। ऐसे लोगों को जो है सो अभी और एक जना है यार, जो 2 मिनट मांगे थे, 3 मिनट से बोले चले जा रहे हो। सारे चैनलों को मॉडरेट करता है एक इंसान एक्स मुस्लिम्स के, भाई उन्हें तो देखो भाई क्या की ब्रश कर रहा करते, गलीज गलीज वीडियो बना रहा करते, 15-15 लाख दे रहा करते किसको किसको की बच्चियों को, भाई अब ऐसे लोग अगर मरेंगे तो हम क्या बोलेंगे भैया, जन्नत में भिजाएंगे ऐसे लोगों को, झूठे लोगों को। हमारे सोहेल भाई ये नीचे बैठे हुए हैं भाई, 2 मिनट मांगे थे, 4 मिनट हो गए, ये तो अपनी तकरीर करने आया है यहाँ पर, इसे पूछो जरा भाई जवाब, अरे जवाब समझाने आया हूं भाई। अच्छा ठीक है, जवाब ले लेते तो मैं चले आता हूँ भाई, खुदा हाफिज, जाओ मैं चले आ रहा हूँ, बोलने ना तेरे, तुम तो 2 मिनट मांगे थे 4 मिनट से बोल रहे हो। अच्छा अब जाना बनता था इसका, इससे ये आए ना कभी, ये जो बकवास कर रहा था इतनी, मैं ये कहता हूँ सिर्फ आए तो ये एक चैनल पे बोल चुका है कि इंडिया का फौजी अगर मरता है तो हम कभी भी उसके लिए यानी कि हम अच्छा सोचते ही नहीं है, वो जहन्नुम में जाएगा, इसने बोला ये। मैं तो सीरियस चाहता था कि खामोश और कंप्लीट बोल सके। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो मोहम्मद अली भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, मैं इसीलिए खामोश हो गया, मैं खामोश हो गया सर, आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने शायद डायरेक्ट टारगेट करने की कोशिश की आपको भी, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि ये नारा ऐसे कौन से काफिर है जिनके लिए नारा नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाते होंगे ये भाई साहब, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? अच्छा सर, मुझे नहीं मालूम कि मेरी तरफ आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है या बाकियों को भी रुक रुक के आ रही थी, मैं आपकी बात को नहीं समझ सका, अगर कोई एक्सप्लेन कर दे दोबारा तो बहुत अच्छा। मेरी आवाज आ रही है अब, क्लियर आ रही है क्या? हेलो, जी जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने आपको शायद डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की, आपके नाम को 2 बार लेकर तुमने बोला, उसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। नहीं मैटर ही नहीं करता। दूसरी हाँ दूसरी बात मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नारा है ये कौन से काफिर है जिनके लिए लगाया जाता है, कौन से काफिर है जिनके लिए नहीं लगाया जाता है, या हर मोमिन इसको लगाता है या नहीं लगाता है, इसे लगाना चाहिए इस नारे को या नहीं लगाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके क्या ख्याल है, ये हम सुनना चाह रहे हैं। जी जी मैं बताता हूँ आपको, नारा कौन फी नारे जहन्नम, ये हर मुस्लिम लगाता है, बिल्कुल क्लियरली बोलता हूँ, हर मुस्लिम लगाता है, और ये हमारी दुआ का हिस्सा है, ये हमारी दुआ का हिस्सा है, और हर काफिर के लिए लगाया जाता है, हर काफिर के लिए लगाया जाता है। बिल्कुल मोहम्मद अली साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये जो कैटेगरी बताकर गया ना इस्माइल, हर नमाज में 5 वक्त, 1 मिनट एंजल मैं क्लियर कर दूं, आपका एक्सप्लेनेशन से ज्यादा मैं अपनी रखना चाहूंगा, आप मुर्तिद हो मैं मुस्लिम हूं, ये हम अपनी 5 वक्त की नमाज के अंदर जब नमाज से फारिग होते हैं दुआ पढ़ते वक्त हम ये स्पेशली दुआ का हिस्सा है और इसको स्पेशली दोहराते हैं, और इज्तिमाई दुआओं के अंदर अगर कोई इज्तिमाई दुआ हो रही है
तो उसके अंदर बकायदा इमाम साहब जो है इसके पर ज्यादा जोर दे के आमीन कहलवाते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल जी ओपन है, ये इंडिया की हर मस्जिद में लगाया जाता है, हर मस्जिद के अंदर पांच वक्त की नमाज के बाद ये दुआ मंगवाई जाती है, ये दुआ मांगी जाती है, और ये पाकिस्तान में भी हमारे लिए जायज है। एक मिनट ये भी बता दूं, बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए जायज है। सर प्लीज कंटिन्यू। अच्छा हाँ मोहम्मद अली भाई, ये बताएं आप कि जैसे कि ये इस्माइल साहब कह रहे थे कि ऐसे ऐसे लोगों के लिए हमें दुआ पढ़ते हैं, क्या आपको लगता है कि उनके नजरे में ऐसा कोई काफिर भी होगा जिसके लिए वो ये दुआ नहीं पढ़ना चाहेंगे? सर ऐसी कोई कैटेगरी हमारे पास नहीं है कि इनके लिए पढ़ा जाएगा इनके लिए नहीं पढ़ा जाएगा। पहली बात ये जनरल आपको मैं बता रहा हूँ कि जनरली पढ़ा जाता है और हर काफिर के लिए पढ़ा जाता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। प्लस ये कि यही वो लोग हैं। इससे हासिल क्या होता है, मैं समझना चाह रहा हूँ इस चीज को, इससे क्या हासिल होता है, क्या दिली सुकून मिलता है कुछ? जी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस्लाम हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि और हमारा यकीन भी है, हमारे पास अहादीस शरीफ के अंदर और कुरान मजीद में ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि एक दिन आएगा पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला होगा और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की इस्लामी हुकूमत कायम होगी। ये हर मुसलमान का एक यानी कि यकीन है हदीस और कुरान की रोशनी के अंदर। अब ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं हमारी ख्वाहिश ये है और वो बड़ा अजीम दौर होगा और अल्लाह उस दौर से बड़ा खुश होगा, तो हम इसलिए दुआ करते हैं ये कि ये वक्त हमारी ही जिंदगी में आ जाए, हम ये चाहते हैं हमारी जिंदगी में आ जाए और हम उन लोगों में शामिल हो जिससे पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की हुकूमत हो। मैं ये कहता हूँ कि ये जो आते हैं ना इस्माइल भाई हो गए या हमारे अभी और दूसरे भाई बैठे हुए ये सईद भाई, तो मैं ये कहूंगा कि इनसे भी लेते हैं, इनसे भी ले लेते हैं। आखिरी बात मैं कर लूं, मैं आखिरी बात कंप्लीट कर लूं। ये लोग कभी भी इंडिया के फौजी के लिए हमेशा यही कहेंगे, अगर वो इनके लिए इनकी हिफाजत करने के खातिर अपनी जान देगा तो उसके बावजूद ये कहेंगे कि ये जहन्नुमी है, जहन्नुम में जाएगा। यही वजह है कि मैं इनको ये कहता हूँ कि भाई आपने अपनी चॉइस के हिसाब से इंडिया में रहना पसंद किया है तो इंडिया के कानून और इंडिया के माशरे और वहां के। अली भाई मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अपनी बात रखी लेकिन आप उन भाई की तरफ से ना बोले, हम उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो क्या अकीदा रखते हैं। सईद खान जी आप मुझे बताएं, इनके हवाले से ये बात रखी है जो चले गए वो उनको मालूम था। अच्छा। कि मैं आऊंगा इस टॉपिक के ऊपर और मैं इनसे पूछूंगा। अच्छा। और बताऊंगा इनसे, मैं यही पूछना चाहता हूँ। आए ना इस्माइल भाई, बोले बताएं कि इंडिया का फौजी मरता है तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा, आए ना जरा क्लियर करें हमें। अच्छा अच्छा सईद खान जी आपका वेलकम है स्ट्रीम पे। सईद खान जी आपका वेलकम है स्ट्रीम पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडियन भाई वेलकम करने के लिए। जब से अच्छा। मैं हमारे मीठे मीठे जलेबियां खा रहा था हमारे अली भाई। अच्छा अच्छा सुने सुने मोहम्मद अली भाई, मत मानना भाई। सईद खान जी एक मिनट मैं आपसे बात कर लूँ थोड़ी देर, मैं आपसे बात कर लूँ कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए बेशक कर लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आज मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि आज हम डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं, हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि ये नारा लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है, लगाया जाता है तो किन काफिरों के लिए लगाया जाता है, किन के लिए नहीं लगाया जाता है, आप ये दुआ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते हैं तो इससे क्या हासिल होता है, बस ये कुछ सवाल है, ये हम समझना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, आपसे जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। और आप मोहम्मद अली भाई के किन बातों से आप जो है करार पाते हैं, किन बातों से आप जो है इनकार करते हैं, ये भी आप बताएं। लेकिन उससे पहले आप अपना बताएं कि जो है आप पढ़ते हैं इस दुआ को या नहीं पढ़ते हैं, आप अपनी तरफ से बताएं, फिर आप उनसे उनको जवाब दें। अब मैं बोलूं इंडियन भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप इंडियन भाई। हाँ जी बेहतरीन बेहतरीन इंडियन भाई, ये टॉपिक जो की नारी जानना मावर के जो टॉपिक है वो आप तो मुसलमान है नहीं, आपको उतना पता नहीं, अब ये जो जलेबी बनाएंगे वो आप खाएंगे तो लिहाजा ये बेहतर नहीं होगा कि एक मोमिन और दूसरे मोमिन से इस टॉपिक पे बात कर लेंगे तो आपको उसका सवाल भी मिल जाएगा। जी जी आप नहीं, मैंने वही कहा आपसे कि आप उनसे बात करें लेकिन आप पहले अपनी तरफ से तो हमें बता दें कि क्या आप पढ़ते हैं इस दुआ को नहीं पढ़ते हैं। अब बस दो मिनट मुझे बता दें इस चीज को क्योंकि मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, मैंने उनकी बात सुनी, मेरा ये हक बनता है कि मैं आपकी भी बात सुनूं सिंगल वन ऑन वन और उसके बाद आप उनसे बात करें। जी जी तो आप पढ़ते हैं इस दुआ को? हाँ जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको, क्लियर आ रही है मेरी आवाज?
हाँ भाई, ये तो मस्जिद में दुआ पढ़ते हैं उन काफिरों के लिए पढ़ते थे जो बगावत करते थे हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन काफिरों के लिए नहीं पढ़ते जो हमारे इंडियन भाई हमारे साथ रहते हैं, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जो पीसफुल रहते हैं, उनके लिए नहीं पढ़ते हैं भाई, उनके लिए तो ये वैलिड ही नहीं है। झूठ बोलते हैं, सही है। अच्छा एंजल, इसका मतलब क्या है? एक सेकंड, आप झूठ बोलते हैं सर, आप लोग सारे खामोश हो जाए, एक मिनट सारे खामोश हो जाए। हमको बोला था इसने आके बड़ा खूबसूरती थे कि देखो भाई अली भाई कितनी खूबसूरत जलेबियां बना रहे थे। नहीं नहीं अली भाई, देखो जो एक सेकंड भाई, मुझे तो हंसी नहीं आई। एक सेकंड, अरे एक सेकंड अली भाई, मेरे प्यारे अली भाई, एक सेकंड। जब से आपकी इतनी बेइज्जती इस्माइल भाई करके गए, मैं देख के मैं खुद शर्मिंदा हो गया कि अली भाई इतना कैसा झेल लेते हैं। खैर वो डजंट मैटर, आपको तो मैटर ही नहीं करता, आपको तो आदत हो चुकी है उस चीज की। सेकंड चीज मैं ये बोल रहा हूँ अली भाई, ये टॉपिक पे पर्सनल बात करोगे, पर्सनल बात करोगे पहले, पर्सनल मैं बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ पर्सनल, इसलिए बोला मैंने डजंट मैटर, वो साइड में डालो, मुद्दे पे आते हैं। इस्माइल के बाप में हिम्मत है ना, तो उसको बोलो आ जाए ज्वाइन। आप पहले इस्माइल को तो देख लो यार, वजह से गया है वो, मेरे से नहीं बात करना चाहता, उसको पता है कि मैं इसके सामने नहीं टिक सकता यार। वो मुकम्मल बेइज्जती कर दिया है आपकी, चले गया, उसका मकसद पूरा हो गया, आप वहीं बैठे हुए हो। बाप, उसका बाप मेरे सामने नहीं टिक सकता जो अच्छा भाई, भाई उसके तो सामने ही अल्फाज बोल रहा हूँ, उसको जवाब आपको मिल जाएगा। नहीं अली भाई, उसके एक मिनट इस तरह नहीं चलेगा, पर्सनल अटैक कर रहा है। ऐसा नहीं पर्सनल नहीं, वो बंदा है ना, आप उसके बारे में बोल रहे हो। मेरी बात कंप्लीट होने दो, उसके बाद बोल लेना भाई, वो रहे तो बात करने में मजा आएगा ना। आप उसके बच्चे से बोल रहे हो, मुनाफिकत कर रहे हो। बाप लगता है या बहनोई लगता है? इस्माइल नहीं है ना, तो तुमने क्यों जिक्र करा? तुम्हारा भाईजान है, उसको साइड में डालो, बहनोई लगता है तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं उसके बारे में बाप बोल के। तो ये अपनी बहने और अम्मा देता है उसको, इसके लिए उसकी बातें कर रहा है। ये देखो और एक साला बोल बैठा बीच में। नहीं 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 भैया, अगर गाली गलौज करना है तो अच्छे गाली आते हैं, मुझे कौन सुनना पसंद करेगा, बोलो अच्छे अच्छे गाली आ देता हूं। सेठ खान जी, मैं बोल रहा हूं ना भैया, गाली गलौज ना करी जाए स्ट्रीम पे। बात गालम गलौज की है, जब ये से इस्माइल का जिक्र करा है, इस्माइल मेरे को देख के भागा है, ये कहता है कि इंडियन भाई मेरा एक ही सवाल है मेरे, इतने आप स्टीमा देखो, एक मिनट की बात कंप्लीट होने दो, रिस्पेक्ट, ये बात नहीं कंप्लीट होने देगा, मुझे मालूम है ना इन दोनों का। अरे यार मुद्दे पे बात करो यार, इस्माइल भाई को छोड़ो, अली भाई को चुरका लग गया यार। इंडियन भाई ऐसा नहीं चलेगा भाई, एंजल इसको नीचे करो एक मिनट के लिए, चुरका क्यों लगाया, ठंडा हो जाओ। बोले इस्माइल को, इस्माइल को बोलो तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, इस्माइल मुझे देख के गया है, इस्माइल मुझे देख के गया, उसको पता है वो मेरी हटा के गया, चलो भाई मैं थोड़ी और हटवा लूंगा, मैं थोड़ी और बेइज्जती करवा लूंगा। उसको बोलो, अपने बाप को बोलो आए ना दोबारा ज्वाइन कर ले, बैठा हुआ मैं। हो गया आपका अली भाई, बंदा की कल स्ट्रीम है अली भाई, अगर आपके गाफ में सच में दम है तो आप कल नाइट 9 बजे बंदे की स्ट्रीम में ज्वाइन होके यही अल्फाज बोल के बताओ, फिर आप और उसके बाद में कोई भी बीच में नहीं रहेगा। जब आपके ये अल्फाज मुंह से सुनना चाहूंगा, उसके बाद जो उसके मीठे मीठे अल्फाज रहेंगे, जब उसके बाद हम नहीं भागेंगे स्टेज पे। पर्सनली बात, जब से तो मैं आपको बोल रहा हूँ टॉपिक पे बात कर लेंगे, तो फिर क्यों इस्माइल भाई, इस्माइल भाई कर रहे हो आप? बात करो, अब टॉपिक पे बात करो। सईद खान, आप टॉपिक पे बात कीजिए और बताइए कि कौन से मोमिन है जो इस दुआ को नहीं पढ़ता है नॉन मोमिन के मरने के बाद? जैसे ही खबर सुनता है, क्या उसके मुंह से ये अल्फाज, ये दुआ नहीं निकलता है? बिना सोचे, बिना एक पल गवाए, बिना एक सेकंड का फुर्सत लिए, ये जैसे ही मुंह से निकलता है ना, ये आदत सा बन गया है हर मोमिन। इंडियन भाई, आप कह रहे थे कि कौन से मोमिन के ये बोलता है, कौन सा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर मोमिन ये बोलता है, जो जिसके मुंह पे दुआ चल रहा है। एक सेकंड, मैं मोमिन से आप बात ही करने नहीं दे रहे हो यार, आप लोगों को तो पता है नहीं कौन बोलता है, फिर आप ही लोग उस पे जस्टिस करने लगे हो। यहाँ पे मोमिन कौन है, यहाँ पे मोमिन क्यों? अली मुनाफिक है क्यों? अली काफिर है, मुर्तद है, क्या बन गया है? अली से बात करने, अली अली मोमिन से बात करने, अली साहब मोमिन है तो आप मोमिन से बात करें। एंजल क्या यार, वो बैठे हुए तो आप उसे क्या बोलो यार, मुर्तद समझ बैठे आपको? जैसा ही है वो भी, आपके जैसा ही है, ठीक है, वो भी भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोमिन हूँ। क्या बात करने का, वो भी अरे तो मैं पूछ तो लू ना भाई, आपको देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये मोमिन है, आपको ये इंडिया का बेगैरत मोमिन है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडिया का बेगैरत मोमिन है। आगे बात करो टॉपिक की तरफ। एंजल जब बात चल रही है, फिर नारी जाना माँ के मुसलमान कब बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक मोमिन बेहतर जानेगा या मुर्तद बेहतर जानेगा?
या फिर अच्छा, काफिर बेहतर जाएगा। तो मैं भाई बंदा पैदा ही मुर्तद पैदा हुआ या नहीं, वो तो एक्स मुस्लिम है भाई, मैं आपको पूछ रहा हूँ। अब जो मोमिन है उससे मैं बात करा तो आपको, अरे पहले आप बोलते हो एंजल एंजल, मैं आपको पूछ रहा हूँ ये बेहतर एक्सप्लेनेशन एक मोमिन देगा या काफिर देगा। एंजल जी, सिंपल बात एंजल जी, मैं समझता हूँ कि सईद जी को और अली जी को हम 5 मिनट देते हैं ये आपस में बात कर, लेकिन एक शर्त है कि आप क्रॉस टॉक नहीं करेंगे, आप एक एक गाली गलौच नहीं होनी चाहिए और क्रॉस टॉक नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन इंडियन भाई, और एक चीज, ये बंदा इंडियन और पाकिस्तान नहीं करेगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं करेगा, अगर वैसा करेगा तो फिर मेरे मुंह से सुनेगा। ये आप कंडीशन रख दीजिए फिर बात कर लेंगे। मैं पूछ लेता हूँ अली भाई, आप इंडिया पाकिस्तान क्या कर रहा हूँ? मैं तो एक मिनट, मैं तो इंडिया पाकिस्तान करता ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ इंडिया के मुसलमान वगैरह थे, ये तुम्हारे को क्यों लगता है बुरा? भाई हम जितने बेगर्त है तुम जैसे तो गिरे हुए नहीं है बेगर्त है, जो अभी भी रहते हैं पाकिस्तान में चाटते इंडिया की। दुआ पे आओ, दुआ पे आओ, झंडे तुम लोग लगाते हो। अब ये इससे बात करिए ना, इसको एक मिनट के लिए खामोश करना। झंडे तुम लगाते हो, पाकिस्तान क्रिकेट में जीतता है खुद, मिठाइयां तुम बांटते हो, पाकिस्तान बाढ़ में गए भाई, जिना बाढ़ में गए, खामोश तो कराओ भाई, खामोश तो कराओ यार, इसमें चुका क्यों लग रहा है अली भाई? एक एग्री क्यों नहीं कर रहे हो टॉपिक की कंडीशन? एक भाई को, एक भाई, एक भाई और अली भाई, यार भाई वो इंडिया की बेइज्जती कर रहा है। अब मैं मुझे ऐसा सुनो भाई, यार मुनाफिक के मुंह से मत कहता सुनो भाई, अली भाई मैं दोनों से गुजारिश करता हूं, सर इस तरह नहीं चलेगा ना, जिना वाली पॉलिसी नहीं चलेगी भाई, जिना वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। दोबारा एक मिनट के लिए नीचे कर दो इसको, एक मिनट के लिए नीचे कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अपनी बात रख भाई, तू इंडिया के खिलाफ बोल रहा है तो वो मुझे नीचे करे। इंडिया के खिलाफ कौन बोल रहा है? इंडिया के खिलाफ कौन बोल रहा है? ये मिठाई बांटना इंडिया के खिलाफ बोलना है? तुम लोग मिठाई बांटते हो, तुम लोग अपने घरों पे झंडे लगाते हो, तुम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो। पाकिस्तान में बोल रहा हूँ ना, भाड़ में गया पाकिस्तान, भाड़ में गया जिना, हमें क्या अचार डालना है उन लोगों का? पहले उनको लात मार के भगा दिया हमने इंडिया से, अभी क्या लेना देना भाई तुम्हारे को हमारे? देखो इन्होंने इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है कि इन्होंने लात मार के भगा दिया, शुक्रिया शुक्रिया, वोट दिया। यार खामोश हो जाया करो ना, तुम्हारे को तुम लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है, तुम्हारे को ये चैनल पे आ जाता है तुमने सुनने की हिम्मत नहीं होती तुम्हारी। मेरे को यही बुरा लगता है इन लोगों का, इतने घबराए हुए होते हैं, मुझे देख के भाग रहे होते हैं, कभी बंदर बन जाते हैं मुझे देख के, कभी इस डाली पे कभी इस डाली पे। अली भाई क्या आप तोप हो जो आपसे देख के डरेंगे? आपको देख के तो कॉमेडी सूझती है भाई, कॉमेडी नो, यू आर माय फेवरेट। तो मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे हो भाई। मिठाइयां कौन बांटता है पाकिस्तान की जीत के ऊपर? वो सनातन ही बांट रहे होते हैं, वीडियो मौजूद है, चलाऊं मैं? पाकिस्तान के झंडे कौन लगाता है अली भाई? वो भी आप जैसे मुनाफिक है भाई। भाई खामोश तो हो जा, खामोश तो हो जा, मैं इंडिया की बुराइयां कर रहा हूँ यार, मुझे गिनाने दे। तुम्हें मुझे मेरी अल्फाज से इतना खौफ क्यों हो रहा है भाई? मैं दो लफ्ज बोलते हैं आपको खौफ पैदा हो रहा है। इन दोनों से प्रॉब्लम ये है, इस्माइल से भी और इससे भी, और एक हमजा था, इन तीनों की प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने सुनना नहीं है, सच्चाई नहीं सुननी है। भाई एक काम करते हैं, एक 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 मिनट में बात कर लेते हैं वरना क्रॉस टॉक हो जाएगा। भाई इंडियन भाई, एक बंदा एक बंदे ने बेहतरीन कमेंट किया है कमेंट सेक्शन में कि अली भाई हैदराबाद आ जाओ, कराची बेकरी के बिस्किट खिलाऊंगा ईरानी चाय के साथ। अच्छा देखें, कमेंट सेक्शन हम ले लेंगे बाद में, आप लोग बात करें, लेकिन मैं आप दोनों लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप एक एक करके बात करें, एक एक मिनट लें। प्रॉब्लम इसका ये है कि इसने मुझे 10 सेकंड ही बोलने देना है, इसने 10 सेकंड ही बोलने देना है। इन लोगों के मुंह में बवासीर है, ये सुनने के आदी नहीं है। अलग अलग कर, अरे अली भाई जब से मैं म्यूट पे हूँ यार, क्यों रंडी रोना रो रहे हो? म्यूट पे छो, मैं बोलिए, आप म्यूट कर रहा हूँ। वालदा का नाम लिया है, अपनी वालदा का नाम लिया है, अपनी वालदा का नाम लिया। एक्सक्यूज मी, आपके वालदा का बताओ, आपके वालदा का बताओ, आपने अपनी वालदा का नाम लिया अभी स्ट्रीम के अंदर, आपने अभी अपनी वालदा का नाम लिया है। अरे ये दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे होगा? एक एक करके लेते हैं ना, एक एक करके बात करेंगे ज्यादा बेहतर। हाँ एक काम करते हैं एंजल जी, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ टाइमर की, ठीक है? हाँ मैं टाइमर की स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद हम टाइमर के हिसाब से ही करते हैं काम, तो ही काम हो पाएगा, वरना मुझे तो नहीं लग रहा है कि और कोई तरीका हो। ओके, पहले हम अली सैयद अली खान को लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं? पहले मैं टाइमर लगा लेता हूँ, टाइमर ले आता हूँ स्क्रीन पे। ओके ठीक है, टाइमर लगाइए, उसके बाद हम दोनों को एक एक करके मौका देंगे, वरना पब्लिक को भी नहीं समझ आएगा क्या बोल रहे हैं, ना इन दोनों को समझ में आएगा, और ऐसे चिल्लाते रहेंगे दोनों।
पहले आराम से बात करते हैं एक एक करके, टाइम लगाइए आप, फिर दोनों को मौका देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लाए क्या स्क्रीन? हाँ जी स्क्रीन आप ले लीजिए, मेरी ऊपर ले लीजिए। ओके चलिए ठीक है। ले लिया है। हाँ अब हम लेते हैं मोहम्मद अली साहब को, है ना जी? मोहम्मद अली साहब को आप ले लीजिए। ओके चलिए, और इनको सईद खान को भी ले ले क्या, टाइम के हिसाब से बात करेंगे। अच्छा एंजल खामोशी आप बोल देता हूँ। असल में प्रॉब्लम ये है इनका, मुझे एक मिनट दिया गया ना, नहीं दो मिनट दिया गया। अच्छा इनका ये प्रॉब्लम होता है कि इन्होंने बीच में एंट्रैप करके बात के फ्लो को तोड़ना होता है। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि भाई वो दुआ जो है वो इन्होंने अभी पूरी पब्लिक के सामने बोला कि वो दुआ जो ना इंडिया के काफिरों के लिए नहीं बोली जाती। मैं सरप्राइज उस बंदे के झूठ के ऊपर कि यार ये किस तरह का झूठ बोलता है, पूरी दुनिया के काफिरों के लिए बोली जाती है मगर इंडिया के काफिरों के लिए नहीं बोली जाती। ये ऐसे मुनाफिक है, खुद कहते हैं हाँ हम पढ़ते हैं। तो भाई किसके लिए पढ़ते हो? अपने पड़ोसी के लिए पढ़ते हो? तुम अपने अपने जिसके पास जॉब करते हो उसके साथ उसके लिए पढ़ते हो कि ये जहन्नुम में जाए? ये तुम जिसके पास जिसके जिसको अपनी चीजें बेचते हो उसके लिए, जिससे रोजगार हासिल करते हो उसके लिए दुआ पढ़ते हो? कहने का मकसद ये कि झूठ जलेबियां और ये इतना यानी कि ओपनली कि इंडिया के सनातनियों के लिए दुआ नहीं पढ़ते। फिर प्लस ये कि इनसे ये पूछो लेके आओ मुझे बैक स्क्रीन कर देना। मैं ये कहता हूँ इनसे पूछो कि इंडिया का फौजी जो अभी तक जंग के अंदर मरा है वो कहाँ पे गया है? वो जन्नत गया है या जहन्नुम में गया है? इनके पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर आप इनसे लो तो। अच्छा ये मिठाइयां कौन बांटता रहा है इंडिया के अंदर पाकिस्तान की जीत के ऊपर कौन मिठाइयां बांटता है? सनातन ही बांटते हैं क्या? ये पाकिस्तान के झंडे कौन लगाता है? पाकिस्तान जिंदाबाद के जो रैलियों के अंदर जो झंडे लेके जाते हो ये कौन लेके जाता है? सनातन ही उठाए हुए चल रहे होते हैं क्या? बस मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप इसको ले ले आप। थैंक यू, मेरे को बैक स्टेज कर दो, कोई मसला नहीं है। जी एंजल जी इस्माइल को लीजिए, सईद को लीजिए, मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। भाई पहले आपने पाकिस्तान वाले को मौका दिया भाई, ये तो नाइंसाफी कर दी। खैर पब्लिक देख रही है वो डजंट मैटर। जी एंजल जी मैं ये हाँ अली भाई से सिर्फ मैं पॉज करता हूँ। सईद खान जी आप नहीं चलेगा मुझे चलेगा ये टाइमर में चलेगा। सुने ना मेरी बात सुने, मैंने मैं देखिए पहली चीज मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद अली साहब पहले आए थे और उसके बाद आप स्ट्रीम में आए थे, उसी अकॉर्ड में लिया गया, कोई पाकिस्तान या इंडिया को सोच करके नहीं लिया गया होगा। ठीक है इंडियन भाई। अब ये जो हमारे मोहम्मद अली भाई मैं स्टार्ट करता हूँ। जब से हमारे अली भाई जो जलेबी बना रहे हैं कि दुनिया के हर काफिर के लिए यही दुआ पढ़ी जाती है फिर नारी जहन्नमा, तो मुझे अली भाई से एक दो मोटे मोटे और सिंपल सवाल करना है। पहला सवाल, ये उन काफिरों के लिए पढ़ा जाता है जो हमारे नबी और अल्लाह से बगावत करते थे? और दूसरी चीज, अगर आपका कोई पड़ोसी काफिर मर गया तो आपके बाप को गैब का इल्म है कि ये जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा? तो गैब का इल्म तो हमारे नबी को था, दूसरे किसी पर्सन को नहीं था। तो आप कैसा डिफाइन कर सकते हैं कि इसके नियत में क्या है, इसके दिल में क्या है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हम जानते हैं शख्स के दिलों का हाल, जानने वाले हम हैं। तो आप कौन होते हो यार पाकिस्तान से जो गवाही देने वाले? सईद खान जी मैं डिबेट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया है, क्योंकि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है, मोहम्मद साहब के पास शायद नहीं था, सिर्फ अल्लाह। मैंने बोला मोहम्मद साहब और अल्लाह ताला सईद खान ये बेहतर जानते थे, और उन्होंने भी नहीं कहा कि एक नॉर्मल इंसान को ऐसा कहा गया कि फिर नारी जहन्नम, जिसको देखो उसको फिर नारी जहन्नम बोलते थे। इंडियन भाई एक बार फिर से आप वही ला दीजिए जो हमने पढ़ाया, ये खुद पढ़ेंगे। अभी ये जो कह रहे हैं कि ये अल्लाह ही जानता है कि कौन जहन्नुमी है कौन क्या है, तो यहाँ पे ये साफ लिखा हुआ है कि जो मतलब क्या बोलते ईमान नहीं लाया ठीक है, वो उस पर ये चीज लागू होता है। तो ये हर किसी जो बिना ईमान लाए मर गया है ये उसके लिए पढ़ा, आप एक बार पढ़ लीजिए सईद खान, आप पढ़ लीजिए। तो ये किसमें से है भाई एंजल आप बता रहे थे? अरे पढ़िए ना, ये सामने पढ़ लीजिए ना, आपको पता है। बोलो मैं भी खोल लेता हूँ। चिड़ इसीलिए पैदा होता है कि हकीकत पता होता है मोमिन को, लेकिन अरे मैं भी तो खोल के देख लो मेरे, आप जो आप प्रेजेंट कर रहे हो कहाँ से कर रहे हो, मैं भी तो खोल लो, मैं भी तसल्ली कर लू एंजल।
आप नंबर बोलिए, खोल रहा हूं मैं। कुरान कुरान की आयत है, कुरान की आयत 98 की 6 है, 98 की 6। आप ये पढ़िए, पहले यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ, पढ़िए एक बार स्क्रीन पे पढ़ लें सईद जी। देखिए मैं आपसे बड़ी तहजीब से पेश आ रहा हूँ सईद जी, सईद खान जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो सईद खान जी, आप म्यूट पे हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो हमारी हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिन मरता है तो ये पढ़ते हैं, फिर भी ये यहाँ पे कहेंगे कि नहीं ये कहाँ लिखा है, ये क्या लिखा है, ये यार आप अपनी लाइफ में ये चीज डेली कर रहे हैं। जब भी आपको ये खबर मिलती है तो हम मोमिनों को ये आदत बन जाता है इंडियन भाई कि बिना एक सेकंड जैसे ही क्या हुआ तो बोलता है कि वो ये इंडियन भाई अजान हो रही है, यहाँ मैं 20 मिनट में ज्वाइन करूंगा। इंडियन भाई अजान हो रही है, 20 मिनट में ज्वाइन करूंगा। ओके ओके, और सुन लीजिए आप, स्पीकर ऑन है। नहीं कोई बात नहीं, इनको बैक स्टेज कर दें, अली साहब को ले लेते हैं, उनको टाइमर देते हैं फिर से एक बार। ओके, हाँ तो ये हम लोगों को ना आदत होता है, जैसे ही हमें ये चीज पता चलता है वैसे ही हमको ये चीज बोलना होता है, ठीक है। और ये कहता है कि हमें ये कहाँ से दिए, क्या दिए, समझ नहीं आते कितना झूठ बोलेंगे। अली साहब आपका टाइमर शुरू है। नहीं, अब टाइम की जरूरत ही नहीं है, जब इस्माइल भाई नहीं है तो कौन सी बातचीत। बात यह है कि मैंने जो सवाल उठाए हैं, मैंने ये कहता हूँ कि कहना जब सनातनी मरता है ना तो आप यकीन मानो कि वहां पे मुसलमान जो है ना वो दूसरी तरफ मुंह करता है और थूकता है। ये लोग झूठ बोलते हैं, इनको झूठ बोलने की इतनी ज्यादा आदत है, ये असल में एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। जारी बात है, जूते पड़ेंगे कि तुम ये करते क्या हरकत। अच्छा, ये कितनी हजारों वीडियो मौजूद है कि जो मुसलमान के स्टॉल से खाना खाते हो आप सनातनी हो, सुन लो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको आप लोगों की वीडियो पढ़ी और मैं कसम खा के तैयार हूं मैं बोलने के लिए कि ये लोग थूक के आपको पेश करते हैं, थूक के पेश करते हैं ये आपको खाना, जो देते हैं, जो रोटी देते हैं, जो सालन देते हैं, जो कुछ खाने पीने की चीजें बेचते हैं उसके अंदर जो अपने हाथ से बना रहे होते हैं वो बगैर थूक के नहीं देते। मैं लेकिन मोहम्मद अली जी, मैंने तो देखा है, मैं भी खाता हूँ बाहर कभी कभार, है ना, जो जैसे आपका चाट पकौड़ी वगैरह तो तुरंत बनाते हैं गर्मा गर्म और वो पकड़ा देते हैं, ऐसा थूकते वगैरह तो मैंने नहीं देखा। बात की पता है क्या होती है, बात पता क्या होती है, इस तरह नहीं होता। आप अगर आप सिर्फ एक खाने को देख के दूर से, यानी कि उसको आप थूक देना तो वो हो गया, ये नहीं कि अभी प्लेट में हर प्लेट में जाके थूका जा रहा है। अच्छा, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई इनके, अच्छा आप देखो इस तक जो पीतल की आपकी मूर्तियां जो बनाई जा रही है उसके बेहतरीन कारीगर कौन है, इस तक आप उठा के देख लो, पीतल की जो मूर्तियां बनाई जा रही है जिनपे नक्श नगार बनाए जाते हैं आप अपने घरों में सजा के बैठे, वो 90% मुसलमान कारीगर बैठ के बना रहे हैं। अच्छा, ना सनातनियों को शर्म आ रहा है कि यार ये मुसलमानों की बनाई हुई मूर्तियों को हम क्यों अपने घर में रख रहे हैं, फिर ना मुसलमानों को शर्म आ रहा है कि हम अपनी रोजी रोजगार के लिए इन मूर्तियों की क्यों बना रहे हैं। मैं इतनी बातें कर सकता हूं इनके लिए, इनके रेफरेंसेस देखिए, यही वजह थी, ये देखिए अब मेरी आवाज या मेरी जो थॉट है वो क्यों क्लियर है भाई, यही वजह थी, ये टू नेशन थ्योरी थी कि हम एक साथ नहीं रह सकते, यही वजह थी कि हम सेपरेट हुए थे। फिर इंडिया के अंदर ये बहुत सी बातें हैं, मैं जो कहता हूं कि भाई इंडिया के अंदर जो मेन सेंट्रल इंडिया के जो इलाके वहां पे चल रही थी तहरीक, तो पाकिस्तान के सेपरेट होने की टू नेशन थ्योरी तो वहां पे चल रही थी। कभी सिंध का नाम सुना कि सिंध में टू नेशन थ्योरी चल रही थी? मुझे ये बताएं अली साहब कि फिर अगर ऐसा ही था तो वो जो लोग यहाँ रुक गए वो क्यों रुक गए? यही तो हमारा क्लेम है कि टू नेशन थ्योरी के बेस के ऊपर सबसे ज्यादा अगर आप हेलो मैं बोलना चाहते जी जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर मुसलमान रुके हैं तो उसका भी उस ये चीज मतलब उससे इसीलिए मतलब झूठ बोल के भी रुके हैं कि एक इनको ये था कि हम इंडिया में रुकेंगे तो इंडिया के अंदर हम जिहाद ला सकते हैं। अगर जैसे कि आप सपोज कर लो कि इंडिया में रुके हुए हैं पर इंडिया का कोई भी एक मुसलमान उठा के देख लो कोई भी, वो ये नहीं बोल सकता कि हम कुरान से ज्यादा भारत को मानते हैं। कोई
अगर वो बोल भी रहा होगा ना मुंह से, तो कुरान में भी लिखा है कि अगर मुंह से भी अगर तुम किसी चीज की तुम लोग तारीफ कर रहे हो, बोल रहे हो, तो उसको मन से गाली दो, ठीक है? मुंह पे ना बोल पाओ तो मन से गाली दो। तो हम ये थोड़ी ना, ये तो हम मान, ये अगर हम चाहें भी मान ले कि डियर एक मिनट रुकिएगा, यही बात रखी थी, थूकना क्या है, ये गाली देना तो है। हाँ, मैंने खुद जो जनाजे को देखकर थूकता है वो क्या कर रहा है? अली साहब, अली साहब सुनिए सुनिए, ये चीज मैंने खुद देखी है कि ये जब दूर कहीं बर्तन रखा रहता है ना, तो ये दूर खड़े होके भी मतलब थूक देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, थूकने का मतलब ये नहीं होता कि खाने के ऊपर थूकना है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी इंसान को मुझे गाली देनी है, तो मुझे उसके लिए वर्ड नहीं निकालने मुंह से। मैं अगर मन से भी गाली दे रहा हूँ तो उसको मतलब मैं गाली दे रहा हूँ। ये थूकने का मतलब इनका ये होता है कि अगर हमने दूर से भी थूक दिया तो उस खाने में थूक दिया। अब वो मतलब हिंदू खाएगा तो कुछ है इस्लाम का कि इसमें मतलब कुछ ये है कि क्या बोल सकते हैं कि किसी को कुरान में क्या बोलते हैं? इतना झूठे हैं ये लोग। अगर ये आएंगे ना, अभी दोबारा आएंगे पक्की, ये अगर कोई आते, इस्माइल भाई आते या ये अपना सैयद भाई आते, सैयद भाई आते, आप यकीन मानेंगे हमारा क्लियरली है कि आप हिंदू के साथ प्लेट अपनी शेयर नहीं कर सकते। आप एक प्लेट में बैठ के नहीं खा सकते। एक मिनट खामोश रहेगा। अच्छा, ये इतने बड़े फुल स्क्रीन कर दे जरा, आपको टाइमर का कोई काम नहीं है, फुल स्क्रीन कर दे। अच्छा, एक प्लेट में नहीं खा सकते, क्लियर है हमारे यहाँ। हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हमारे कोई हिंदू दोस्त होते हैं तो या हिंदू का ताल्लुक यानी कि ताल्लुक वास्ता है, दोस्ती कौन सी यानी कि ताल्लुक वास्ता है या जान पहचान है, तो हम लोग एक प्लेट में नहीं खाते ना, वो हमारी प्लेट में खाता है, वो क्लियर है। उसने कहा नहीं, मैं मुस्लिम की प्लेट में नहीं खाऊंगा, मेरे लिए नजिस है। और यही सेम चीज हम बोलते हैं उसके लिए, मगर मुंह पे नहीं बोलते। उसको भी पता है हम अपनी प्लेट क्यों अलहदा कर रहे हैं, और हमें भी पता है वो हमारे से क्यों प्लेट अलहदा कर रहे हैं, मगर इंडिया के अंदर वहां पे कॉमन है। कभी मैंने नहीं देखा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के बर्तन अलग होते हो, मुसलमानों के बर्तन अलग होते हो। आप लोग एक ही ठेले से, एक ही रेस्टोरेंट से, एक ही होटल में जाके एक ही बर्तनों में बैठ के खा रहे होते हो। अरे क्या अरे, आप लोगों के हिसाब से, अरे आप सुनिए सुनिए, आप ये चीज देख लीजिए ना कि हम हिंदू लोग, हम ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, ठीक है, हम उसको पूजते हैं। तो मुसलमान बोलते हैं कुरान को हम पूजते हैं, ठीक है, आप हमारे कुरान के अल्लाह की बेइज्जती मत करो, ठीक है। अब हिंदू तो दिल से अच्छा होता है तो हिंदू बोलता है ठीक है, नहीं करनी चाहिए किसी के भगवान की बेइज्जती, जिसे वो पूछता है, ठीक है। अब जब हम गौ माता को पूछते हैं, जब हम गौ माता को पूछ रहे हैं तो वो हमारी गाय माता को जानबूझकर काटते हैं हमारे सामने, कि उनको जिहाद मिले या जो भी है उनका कलमा वलमा या वैसा कुछ, मतलब वो चाहते हैं कि मतलब हमारी आस्था को ठेस पहुंचाना। पूरे देश में ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो ये बोल रहे कि कुरान को मैं नहीं मानता, मैं मेरे लिए देश सबसे महान है। हाँ जी भाई, आवाज आ रहा है मेरा? जी जी जी, कोई अली कर क्या है, पहले उनसे पूछ लेते हैं। अगर ये जो दुआ वाला जो सिलसिला चल रहा था वहाँ पे, इंडिया का जो भी मुसलमान आएगा वो यही जवाब देगा कि ये दुआ हम इंडिया के सनातनियों के लिए नहीं करते, बाकी दुनिया में जहाँ पे बैठे हुए काफिर कुफार उनके लिए करते हैं। तो ये इनकी मुनाफिकत है, और हम हर उस काफिर के लिए दुआ करते हैं और 5 वक्त करते हैं, और इंडिया की एक एक मस्जिद से होती है ये दुआ, और जहां पे लाउड स्पीकर की फैसिलिटी है वहां पे लाउड स्पीकर पे होती है कि तुम लोग जहन्नुम में जाओ। भाई एक मिनट, कोई मुझे मोहम्मद अली भाई से बात करने देगा? एक मुस्लिम एंजल जी, मैम मोहम्मद अली से बात करने। हेलो जी जी, एक मिनट, सबसे पहले एंजल जी एक बार आप इस लेआउट सही कर ले, नहीं तो किसी का भी आइकन नहीं दिखता। लेआउट ठीक ही है क्योंकि अली जी, जी जी एक अच्छा, प्रिया अच्छा। जी आई हैं, उनसे भी हम बात करते, पहले ये अली जी आए हैं उनसे पूछना, इसीलिए हम लेआउट ये किए। अच्छा, ये लोग कुछ अलग ही कर जाते हैं ना, तो इनसे पूछना। मैम मोमी ने, अली जी आप मोमी ने? रेगुलर आता हूं जी, मोमी ने मुझे जानता होगा कोई भी। मैम मैं ना मोमिन नहीं हूँ, मैं बस एक मिनट का टाइम लूंगी मैम। ओके ओके, एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी मैं, बस अली जी। नहीं प्रिया जी, आप आपसे हम बात लेंगे आपकी,
हम पहले एक बार अली जी से बात ले लें और एम डेविल जी कुछ कह रहे थे वो कंप्लीट कर लें, फिर हम अली जी के पास जी, मुझे ले लेंगे अली जी से बात करना है, मुझे एक बार बात करने दीजिएगा बस उनसे, बाकी मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी। जी जी आप रुके स्ट्रीम पे, आप ले लीजिएगा, एक मिनट में जा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था, इस्माइल भाई ये बोल रहे थे कि सच्चे वाला भाई ने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा करा या जो भी है, वो अपनी तरफ से जो भी बोल रहे थे, ठीक है। मैं ये मानता हूँ अगर जो सच्चे वाला ने करा तो वो तो उन्हें दिख गया, और जो मोहम्मद ने करा लड़कियों के साथ, लोगों के साथ, लोगों को मारा, वो तो साफ साफ लिखा हुआ है ना, तो इस हिसाब से तो सबसे पहले मोहम्मद जो लेडी आई हुई है पहले, नहीं नहीं, नहीं रुको 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 अली अली साहब, अली साहब एक मिनट, अगर मोहम्मद ने ऐसा किया है, मतलब रेप करवाया है, करा है, मारा है, बच्ची को शादी करी है, तो सारे गलत काम तो मोहम्मद ने करे, तो इस हिसाब से तो मोहम्मद को सबसे पहले बोलना चाहिए कि वो हेल में जाएगा। अच्छा डेविल जी आपकी बात आपकी बात आ गई है। देखिए इस तरीके से ना देखें, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जो भी किया, लेकिन सुनिए मैं मतलब नॉर्मली मैं नॉर्मली एक ह्यूमैनिटी से बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से ये हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, काफिरों के लिए, आप पता नहीं किस किस के लिए ऐसी हेल वाली दुआ पढ़ते रहे हैं, तो मैं बस ये एक ह्यूमैनिटी वाली बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो मोहम्मद भी इंसान ही था, अगर उसने भी ऐसा किया तो उसके लिए सबसे पहले पढ़नी चाहिए ना, हम लोगों के लिए क्यों पढ़ो, सबसे पहले उसके लिए पढ़ो जिसने ये स्टार्टिंग करी है। भाई इनकी बात कंप्लीट हो गई, अब आप आगे बढ़ो ना यार, आप आगे बढ़ो, इतने सारे पैनलिस्ट इकट्ठा कर लेते हो जिनको बोलने का भी तमीज नहीं है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं एंजल जी से सुनिए, तमीज की तो बात छोड़िए, एक मिनट कहाँ गया वो बंदा, बंदा को मैं मिश्कातुल मशीबी की हदीस है 5801, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन आपने मुझे कभी उफ तक ना कहा, और न ही ये कहा कि तूने ये काम क्यों किया, वो काम क्यों नहीं किया। ये मुत्तफिक हदीस है, मतलब सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में हदीस है, मतलब एक उनके 10 साल खिदमत किया हजरत मोहम्मद अली से बात करनी है। अच्छा मोहम्मद अली साहब बात कीजिएगा, पहले आप मुझे दो चीज बता दें कि क्या आप ये दुआ पढ़ते हैं, इस दुआ को पढ़ने में यकीन रखते हैं या नहीं, और अगर यकीन रखते हैं तो इससे आपको क्या हासिल हो रहा है, या जो पढ़ रहा है उसको उसे उसको क्या हासिल हो रहा है। कौन सी दुआ? ये जिस दुआ के बारे में बात चल रही है, जो हमारी स्ट्रीम है फी नारे जहन्नम, तो ये दुआ किसी काफिर के मौत होने पे आप पढ़ते हो? जी नहीं, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है। अच्छा किसी और को आपने पढ़ते हुए देखा है? नहीं अभी। ये दुआ पढ़नी, अच्छा ये दुआ पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? एक इंडियन भाई एक चीज और इनसे पूछना चाहिए, अच्छा अगर कोई मोमिन जब डेट करता है मतलब मर जाते तब हम क्या पढ़ते हैं, जब कोई मुस्लिम की मौत की खबर आप सुनते हैं तो आप मैयत की तब आप क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब कोई हिंदू मरता है तब हम क्या पढ़ते हैं? कुछ नहीं पढ़ते हैं। देखो मैं यार झूठा कितना झूठ बोल रहे यार। अच्छा नहीं पढ़ते होंगे ना एंजल जी, वो अगर कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, कसम कसम ना खाएं, मुझे कुछ मतलब ही नहीं है वो मरे या कहीं भी जाए, कसम ना खाएं आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यही देखिए से क्लियर बोल दिया, वो उसको मतलब ही नहीं है, वो कहीं पे भी जाए, मर गया मर गया, आप कीजिएगा ना बात कीजिएगा, आप अगर मेरा जवाब जल्दी दे देंगे तो उनसे जल्दी बात कर पाएंगे। अच्छा हाँ, इस पे तो, आपको एक और जवाब दे रहा हूँ, एक और जवाब दे रहा हूँ, कुरान की आयत एक, है, एक सवाल मेरा और अल्लाह ताला सिर्फ तुम्हें दो बंदों से मोहब्बत से रोकता है, एक तुम्हें जो दीन के बारे में लड़ाई लड़े मतलब जो जंग करे, और तुम्हें जो शहर से निकाले, बाकी किसी से अल्लाह ताला मोहब्बत से रोकता है, ठीक है ना। अच्छा तुमसे ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, पहले आप ये क्लियर कर लें, ग्राउंड क्लियर कर लेते हैं कि मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा हूँ आज, मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये आयत पढ़ रहे होंगे उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे लोग हैं, ये आयत पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, कुरान की रूह से ये बताइए। हदीस से पूरा जो है, जो
जो मतलब जिनाकारी करता है उसको बुरा नहीं कहने का है। नहीं, कुरान की आयत है ना, भी हम कुरान की आयत पे बात कर रहे थे। देखें, हम कुरान की आयत पे बात कर रहे थे और कुरान की आयत नीचे लिखी हुई है। रेफरेंस किधर लिखी है? हाँ, 98 की 6 मेरी, भाई दे रहा हूँ ना, आप अटैच में क्यों? हाँ, मैं दे रहा हूँ आपको, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एंजल जी मेरे स्क्रीन ऊपर ले लीजिएगा, मैं इनको आयत दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, पहले क्लियर कर रहा हूँ, मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना भाई? आयत आपको सर? हाँ, मैं आयत ले आ रहा हूँ, मैं आयत ले रहा हूँ, मैं आपको लास्ट लेसन पढ़ रहा हूँ। 98:6, बेशक जो लोग अहले किताब में से काफिर हुए और मुशरिकीन सब दोजख की आग में, जहाँ वो हमेशा रहेंगे, ये लोग बदतरीन खलाइक है। जी, तो मुझे ये बताएं कि जो लोग ये दुआ पढ़ रहे हैं काफिरों की मौत पे, क्या वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? इधर दुआ किधर है? दुआ ये है ना, फिनारे जन्नत। दुआ किधर है? आपको मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं। जो लोग अहले किताब में से काफिर हुए मुशरिकीन सब, ठीक है, ठीक है, मुझे आपका जवाब मिल गया। मैं समझ गया कि आपसे जवाब नहीं निकाल पाऊंगा मैं। आप मोहम्मद अली जी से رابطہ कर लें, आप मोहम्मद अली जी से गुफ्तगू कर लें। जी नहीं, इसमें तो कोई दुआ नहीं है ना, ये तो कुरान की आयत है। आपके आपका जवाब आ गया, मैं आपके जवाब से सेटिस्फाई हो गया सर। बोल दिया ये दुआ नहीं है भाई, ये मुफ्ती साहब ने बोल दिया ये दुआ नहीं है, ये पांच वक्त नमाज के बाद ये दुआ नहीं मांगी जाती है। तो मुफ्ती साहब की बात सुनो ना, मोहम्मद अली जी, मैं आपको इतने शौक है मुझे एक मिनट रुकिएगा दोस्त, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, लोगों को इतना शौक है स्ट्रीम के अंदर टॉपिक के बात करना नहीं चाहते, पैनलिस्ट से यानी कि जिसकी स्ट्रीम है उससे बात नहीं करना चाहते, ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अली जी। बात किया उससे, उसके सवालों का जवाब भी दिया, अब आपसे बात करना चाहता हूँ मैं बहुत दिन से। कहाँ दिए? कौन भाग गया? अब आपको क्या जवाब दूँ इस आयत के बारे में? आपको तो दे दिया कि ये एक आयत है, इसमें कोई दुआ की बात नहीं है। अभी आयत का मैं यानी खुदा की मखलूकात में उनसे बदतर कोई मखलूक नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ यार, एक मिनट रुको तो मेरे दोस्त, इतनी जज्बाती क्यों हो रहे हो? कभी मस्जिद गए हो? असर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है, कभी जाना दोबारा मस्जिद में? और जब फर्ज नमाज खत्म होने के बाद जब इमाम साहब दुआ मांग रहे होते हैं, ये जुम्मे की नमाज के बाद जब इमाम साहब दुआ मांग रहे होते हैं जुम्मे के, तो उस दिन स्पेशली इस जुमले पे ध्यान देना कि वो पढ़ते कि नहीं पढ़ते। अब मैं समझ गया आपकी बात, अब आप मेरी बात सुने कुछ। मैं इधर अभी शारजा में रहता हूँ, यूएई में, शारजा में। यहाँ दुआ पर्सनली इंडिविजुअली मांगा जाता है। मैं जो दुआ मांगता हूँ आपकी आपकी बातें शायद लंबी होने वाली है, हम पिया जी को एक मिनट का टाइम चाहिए था। जली कटी सुना भी रहे तो कोई बात नहीं, उनका दिल दुखा हुआ है। असल में एक बंदा 20-30 साल के ही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आइडिया, एक चीज झूठ सुन सुन के ना वो आदी हो चुके हैं उसके। अब अचानक आप किसी को सोते हुए उठा के कहें तो वो तो हड़बड़ा जाता है ना इंसान, जैसे तो ये हड़बड़ाई भी पोजीशन है इनकी गरीब की, तो थोड़ा सा जी। अच्छा, अरबी भाई आप बताएं कि जो टॉपिक है फी नारे जहन्नम, ये काफिरों की मौत पे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? आप कहते थे सर इंसानियत के खिलाफ। हाँ, समझ गया, ये टॉपिक था, पिछली दफा डिसाइड किया गया था कि जो काफिर मरता है। मेरा सवाल ये है, क्या जब आप मोमिन थे तो आप ये कहते थे या नहीं कहते थे, या आपके माशरे में कोई और कहता है नहीं कहता है? बीइंग ए मोमिन मुसलमान, जब भी कोई हिंदू या नॉन मुस्लिम मरता है तो उसका यही कहा जाता है कि जहन्नम में गया, अभी जहन्नम की आग में सड़ेगा। ये शायद माता तो ये भी कहते हैं, हाँ, इंसान बहुत अच्छा था पर चूंकि कलमा नहीं पढ़ा इसने, यहाँ तक के देखे हम तो उनको तो काफिर और हिंदू और उनको तो दूर की बात है। हम लोग तो यहाँ तक कहते थे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद के चचा थे अबू तालिब, बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। अभी के मुस्लिम में बात कर रहा हूँ, पर वो अफसोस हो जहन्नम में जाएंगे। अभी एक मिनट रुकिएगा,
यहाँ पे मुझे इजाजत दो यार, मैं सिर्फ इस्माइल की वजह से रुका हुआ था, ये सईद खान की वजह से, तो यहाँ पे मुझे इजाजत दो, मैं अपने कुछ काम निपटाऊं तो फिर दोबारा ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू यार। जी जी डेफिनेटली आइए जरूर। तो जो इंडियन भाई का सवाल था ना, मैं टोटली एग्री हूँ उससे कि वो यही कहते हैं कि जब कोई हिंदू या कोई नॉन मुस्लिम मरता है, जैसे बड़े बड़े अदाकार सब जानते हैं पाकिस्तान में जो ये है, शमी कपूर थे, दूसरे जो थे, वो सबको यही कहा जाता था कि जहन्नम में सड़ेंगे, जहन्नम में जाएंगे, अंजाम यही होगा। तो कोई इनके लिए हमदर्दी नहीं रखते, कोई किसी किस्म का वो नहीं रखता है। तो मैंने जैसे एग्जाम्पल आपको दी कि जो मोहम्मद के चचा थे उनके लिए भी मुसलमान यही कीदा रखते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत मदद की मोहम्मद की, पर वो जहन्नम में जाएंगे क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। और आखिरी टाइम तक एक हदीस है, मोहम्मद उनसे मिन्नतें करते रहे कि चचा कलमा पढ़ लो, चचा कलमा पढ़ लो, मैं गवाही देता हूँ कि तुम्हें मैं जन्नत में ले जाऊंगा। और उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने अपने ही मजहब पे कायम। तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जी इंडियन भाई आवाज आ रही? हाँ जी जी आपकी आवाज आ रही है। दरअसल एंजल जी ड्रॉप कर गई हैं और कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, तो और कोई कंट्रोल बैठा भी होगा तो हम ले नहीं पाएंगे उनको, ले तब तक हम बात कर लेते हैं। सुहेल जी और अरबी भाई आप बात करें, और वो सईद खान भी अब आएंगे तो ऊपर नहीं आ पाएंगे, इसके मतलब एक्चुअली इंडिया जी मैं तब से मैं ये कर रहा हूँ तो टॉपिक कहीं और घूम के लेके चले, इंडिया पाकिस्तान, इसीलिए मैं रुकना, मैं जब तक ऑफिस से रसना था मैं तो सुनता हूँ तो इसीलिए मैं रोकना पड़ा था लोगों को। अंजल भाई नहीं, वो उन्हीं को बात करने नहीं दे रहे, कसम में उन्हीं को बात करने नहीं दे रहे ना यार, वही तो है। एंजल भाई टॉपिक तो एंजल भाई को बात करने चाहे था ना चाहे था, इसीलिए मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दिया था ताकि एंजल भाई बात कर सके। सही है ना जी, मैंने जो किया सही किया, कल मैंने वही बताओ आपने बात तो सही की। सुहेल भाई बात यही है ना कि उनका नेट भी खराब है तो वो बार बार देखे ना ड्रॉप हो रही है स्क्रीन से। नहीं हो गए एंजल में, आप बात कीजिए एंजल में, आप अनम्यूट कीजिए ना एंजल में, आप म्यूट पे हो, अनम्यूट कीजिए। ओके अब्बास आगा जी वेलकम है, आपका सवाल है जी। वेलकम बात जी, अभी सब आपका चेते आ गए ना, काफी देर से मैं कुछ बात कर रहा था। ये आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 बोलिए जी। मैं कुछ बातें सुन रहा था काफी देर से, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसमें डिबेट नहीं करना चाहता इस बात पे, लेकिन मैं कुछ अपनी बात सर टॉपिक पर बात करना तो बात कीजिए। टॉपिक के अलावा आपने एक घंटा पूरी बात की है नेशनलिटी पे, इसीलिए मैंने रोक वहाँ पे मैंने रोक दिया था, इसीलिए मैंने रोक दिया था। तो अभी आप टॉपिक पर बात करना तो बात कीजिए। भाई वो पाकिस्तान की रेपुटेशन का डैमेज हैज बीन डन, दैट्स व्हाट यू वांट। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं बड़ा फखर से पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं वो काम नहीं करता जो हेट फैला रहा था मोहम्मद अली आके यहाँ पे। उसका जो असल मकसद है वो इंडिया में अब्बास जी मैंने बोल दिया उस टॉपिक पे, छोड़ दीजिए अभी वो टॉपिक नहीं है, मैंने स्टॉप कर दिया उस टॉपिक, इंडिया पाकिस्तान छोड़ दीजिए अभी, अभी जो टॉपिक पे बात करना है ना तो टॉपिक पे बात कीजिए। अगर आप मुझे मेरी बात नहीं रखने देंगे तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपने उसकी बात एक घंटा सुनी है, मैं आपको एक मिनट। नहीं 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 हमारे बहुत मोहतरम है और ये अपनी क्लियरेंस अगर देना चाह रहे हैं तो इनका हक बनता है, इनको दें प्लीज। जब अगर किसी ने कहा बात की है गलत की है तो उसकी क्लियरेंस देने दें। प्लीज सुहेल भाई 5 मिनट, दो मिनट लेंगे सर, वो 2 मिनट लेंगे, कंप्लीट कर देंगे। 2 मिनट सिर्फ 1 मिनट लेना चाहता हूँ, 2 मिनट नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जो आप लोग ये कर रहे हैं मोहम्मद अली किस तरह आपने टाइम दिया है उसने आके वो उसका असल मकसद मैं समझ गया हूँ क्या मकसद है। ही इज अ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट पाकिस्तानी पर्सन, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो नेशनलिस्ट है। उसका क्या वो फ्रस्ट्रेशन फैलाए, लोगों के अंदर नफरत फैलाए, वो मुसलमानों और हिंदुओं के अंदर नफरत फैलाने का वो काम कर रहा है। आप उसको प्लेटफॉर्म ना दिया करें। हर पाकिस्तानी इस तरह नहीं सोचता, पाकिस्तानी बिल्कुल इंडिया से नफरत नहीं करते हैं, पाकिस्तानी कोई ऐसी सोच नहीं है। तो वो जो पाकिस्तान का इस तरह नाम गंदा करके जाता है स्क्रीन में आके मुसलमानों का भी, प्लीज आप उसको इस तरह ना करने दिया कीजिए। हम पाकिस्तानी ऐसे नहीं, ये बस मैं कहना चाह रहा था।
अब वो उसका असल मकसद समझ लें आप, अब वो अपने इस इंडिया के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया की तबाही हो। मुस्लिम आप किसी नॉन मुस्लिम को ब्लेस नहीं कर सकते हैं, उसके नमाज जनाजा नहीं पे शिरकत नहीं कर सकते हैं, उसके यहाँ तक के वो अगर कोई हिंदू हमें अपना मंदिर से बड़े अकीदत से प्रसाद भी लाके देता है ना, तो वो भी हम गटर में फेंक देते हैं, हम नहीं खाते हैं क्योंकि वो हराम है हमारे लिए। इसी टॉपिक में बात करने लगा, उसको इस्लाम के बारे में कुछ मालूम नहीं है। नहीं बताइए ना सर, अगर कोई हिंदू आपको प्रसाद देता है लाके, और या कोई ऐसी कोई चीज लाके देता है जो किसी मंदिर से अपने अकीदत के तौर पे लाके देता है, जैसे इंडियन भाई मुझे लाके दें कोई प्रसाद लाके दे दें कोई चीज, तो भी मुस्लिम अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं उठा के कूड़े में डाल दूंगा, वो खाऊंगा नहीं क्योंकि वो मेरे पास हराम है। बात हो गई है सर, मुझे बोलने दे, मैं क्वालिफाई करना चाहता हूं लेकिन मैं मुस्लिम उसको क्यों नहीं समझता, क्योंकि उसके सामने एक बंदे ने आके बात की कि हम हिंदू गाय की पूजा करते हैं और मुसलमान कुरान की पूजा करते हैं, तो हम मुसलमानों की वो नहीं कर सकते। उसने उसको करेक्ट नहीं किया कि कोई मुसलमान कुरान की पूजा नहीं करता मेरे भाई, आप क्या बात कर रहे हो। उसने तो करेक्ट नहीं किया, तो सुनता रहा, इसका मतलब उसको इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है। नहीं वो बात ठीक है, वो बात सही है, पूजा नहीं करते उसको, एक मुकद्दस किताब मानते हैं। कोई हल्का सा मुसलमान नॉलेज वाला होता कहता भाई रुको एक सेकंड, हम कुरान की पूजा नहीं करते, आप जाएंगे पूजा बेशक करते हैं आपके आपके मुतल, लेकिन हम नहीं करते हैं, लेकिन उसको इस्लाम की नॉलेज नहीं है, ही इज एक्सट्रीमिस्ट पाकिस्तानी नेशनलिस्ट, तो उसको एज ए मुस्लिम रिप्रेजेंट ना करें और इस्लाम के बारे में उसको सवाल ना करें। आप उसको सवाल करेंगे वो जो भी जवाब दे देगा, ही इज रिप्रेजेंटेटिव। सर उसका पूजा से मकसद उनका ये भी तो हो सकता है ना, ताजीम करना, इज्जत करना, मोहतरम जानना किसी चीज को, पूजा नहीं करना। जैसे जैसे हिंदू जो हैं वो मूर्ति जो सामने मिट्टी की रखी होती है उसकी पूजा नहीं कर रहे होते, वो एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना, जैसे गणेश जी की मूर्ति है तो वो मूर्ति गणेश जी नहीं है, पर वो एक रेफरेंस पॉइंट है, वो एक एक पॉइंट उसको सेंटर पॉइंट बना के वो उससे दुआ कर रहे होते हैं। तो आप लोग हम लोग ये समझते हैं कि वो जो मूर्ति रखी हुई है हिंदू उसको मान रहा है, उसी से मांग रहा है, मूर्ति तो कुछ नहीं दे सकती है, वो चीज मोहम्मद अली ने भी कहा होगा ना इस तरीके से। सामने अगर कोई ऐसे बात करे ना, मैं उसको कहूँ आपका क्या मतलब है, व्हाट यू ट्राइंग टू से पूजा, क्योंकि पूजा का जो डायरेक्ट मतलब है इबादत है, हर मुसलमान यही समझता है जो आप इंडियन पूजा करते हैं वो इबादत करते हैं, तो मुसलमान को अगर आप कहें ना आप किसी की पूजा करते हैं, हम कहेंगे पूजा किसी नहीं करते, नहीं रिस्पेक्ट में भी आता है ना सर, बाद लोग कहते हैं ना कि बहुत सी चीज की आ रही है तो ये बंदा इस चीज की पूजा करता है, पूजा से मतलब ये कि ऑल ऑफ सडन वो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। कोई मुसलमान एक मिनट नहीं देता आपको मालूम, मेरी आवाज आ रही जी बोल। अच्छा चलिए ठीक है, मैं यही बोल रहा था कि अली भाई नहीं है तो उनके बिहाफ बातें नहीं करें, लेकिन वो खुद आ गए तो डायरेक्ट उनसे ही बात कर लीजिए, मैं इसीलिए रोकना चाह रहा था, लेकिन वो खुद आ गए। ओके अली भाई आ जाए प्लीज, तो प्लीज रिस्पेक्ट से बात करें आप दोनों हमारे, अली भाई नहीं अली भाई आप भी रिस्पेक्ट से बात करिएगा प्लीज। घबरा गया इतना भाई, ये बताओ कि तुम किसी हिंदू के साथ बैठ के रोटी खा सकते हो एक प्लेट में, नजिस नहीं होगी वो? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको मैं अली भाई बताऊं कि बहुत से लोग यहाँ पे यूएस में भी शिया के साथ भी बैठ के रोटी नहीं खाते। अरबी आप रुक जाओ, अरबी आप रुक जाओ, ये आए ना बहुत बड़े मुस्लिम आए, इस्लाम की बात करते हैं, चलो आओ इनसे इस्लाम की बात करते हैं। आप बताओ कि कौन सा पाकिस्तानी है जो हिंदुओं के साथ बैठ के रोटी खाता है एक प्लेट में, बताओ यार। एक सवाल पे रहो, तुम बैठ के खा सकते हो, इतने बड़े हमदर्द आए हो ना, इतने बड़े हमदर्द आए हो, तो ये बताओ तुम रोटी बैठ के खा सकते हो, तुम्हारे लिए वो रोटी हलाल होगी या हराम होगी, बताओ ये जवाब पब्लिक को बताओ। यही बात मैं इंडिया के मुसलमानों के लिए कहता हूँ, जिनको तुम अपना भाई समझते हो वो तुम्हारे साथ तुमको नजिस समझते हैं, अब बोलो ना, जवाब दो, तुम्हारे लिए हराम होगी या हलाल होगी, बताओ। भाई मैं आपकी लैंग्वेज नहीं समझता।
लैंग्वेज नहीं, तुम्हारे को जवाब नहीं आता, तुमको तुम्हें पता है कि यहाँ पर मेरे नंबर कट जाएंगे। तुम्हें इस्लाम में बात करना थी ना, मैं तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अभी मैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं अभी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तुमसे पहला सवाल कर रहा हूँ। तुम ये बताओ, तुम किसी हिंदू के साथ बैठ के रोटी खा सकते हो एक प्लेट में, वो तुम्हारे लिए हलाल होगी या हराम होगी? बताओ, नजिस होगी या पाक होगी? बताओ। मेरा, मैंने असूल बनाया कि मैं जिन लोगों को डिस्कस, देखा कैसी बोलती बंद उसकी, देखा पब्लिक ने देख लिया, पब्लिक ने देख लिया तुम्हारी, जो इतने आए थे ना इतने इतने लंबे चौड़े भाषण देने के लिए, एक सवाल पे तुम ढेर हो गए हो। यही बात मैं इंडिया के मुसलमानों के लिए उनके सामने रखता हूँ, सनातनियों के सामने, कि तुम्हारे जनाजे को देख के जो लोग इनको जो लोग देखो ढेर हो गया, ये जवाब नहीं दे रहा, ये जवाब नहीं दे सकता कि भाई हमारे लिए नजिस होती है। ये जवाब मैं बोलता हूँ, हमारे लिए नजिस है, हमारे लिए मुस्लिम के चैनलों में बोल रहा हूँ, बींग अ मुसलमान सनातनियों के साथ बैठ के हमारे लिए रोटी खाना नजिस है। इसी बात के बाद इतनी आजादी क्यों है मुझे? एक मिनट रुक जाओ, वो बोल लेना फिर मैं चल रहा हूँ। हमें क्यों इतनी आजादी है? इसलिए कि हम पाकिस्तान में बैठे, हमने अखंड भारत के अंदर अपना हिस्सा लेके अपने पाकिस्तान में बैठे और इतने धड़ल्ले से और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते कि सनातनियों के साथ रोटी खाना हमारे लिए नजिस है। अब्बास आगा नहीं बोलेगा। आप कोई आप पैनल में से कोई शख्स मुझसे एग्जैक्टली यही सवाल करे, मैं उसका जवाब दूंगा। ही इज अ डिस्कसिंग पर्सन, आई डोंट टॉक टू हिम। कोई पैनल में उससे यही सवाल करे, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। साहब मैंने यही सवाल किया था कि अगर कोई हिंदू को सनातनी, नहीं मैं बताता हूं, बस इनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं ना। एक मिनट अरबी, आप रुक जाए, अरबी आप रुक जाए, ये मेरे पीठ पीछे आया स्ट्रीम के अंदर और मेरे नाम से शुरू हो गया, रेलगाड़ी इसकी तेज काम शुरू हो गई, धड़ 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 धड़। अभी एक सवाल करा साले को, मैंने पूछा पाकिस्तानी हो ना तुम, पाकिस्तानी हो ना तो बोलो ना यहाँ पे कि हम नजिस समझते इसको। इतने बहुत यानी कि रिलेशनशिप के झंडे लेके आए थे, मेरे लिए तो आगे बकवास शुरू कर दी थी, तुमसे एक सवाल रखा इसलिए मैं वापस ज्वाइन करा मैंने, तो दूसरे से सवाल करवा रहा है ये सच्चा मुस्लिम जो है, ये दूसरे से सवाल करवा रहा है, आगे मेरे लिए बकवास कर सकता है मगर मेरे सवाल के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन उठाया उसके ऊपर इसका मुंह नहीं खुला। बोल भाई, मैंने अभी कुत्तों की लैंग्वेज सीखी नहीं है तो मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है, कोई और मुझसे सवाल। आपको अपने वालिद साहब की लैंग्वेज बोलना नहीं आती है? आपको अपने वालिद साहब की लैंग्वेज बोलना नहीं आती है? आप गलत रॉन्ग नंबर पे बैठे हो आप, याद रखना मैं किसी को बख्शता नहीं हूं मैं। अब बोलो, आगे बोलो वालिद साहब से आगे चलो। खाली भोंकने वाले नहीं हो, काटने वाले भी हो, ठीक है, समझ गया मैं। ओके ठीक है, या कोई और मुझसे सवाल करेगा? तुमने अपने वालिद साहब के साथ दादा को भी शामिल कर लिया, वो काटते थे तुम्हारे वालिद, भोंकते थे, आगे चलो। ओके टेंशन स्पीकर, थैंक यू। किसी और ने सवाल करना मुझसे भाई, please anybody else want to ask me a question, exactly the same question। मेरे लिए बकवास करते हुए आए थे, चीखते चिल्लाते हुए आए थे, इतनी धूल धाम से आए थे, अब मैं सामने बैठा हूँ तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। अब्बास भाई जवाब दे ना प्लीज, क्या वो कोई सही जवाब सवाल कर रहे हैं? मैंने कहा है कि मेरे, अच्छा मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं जो गिरे हुए लोग होते हैं उनसे बात। अच्छा बताएं सर, अच्छा अब्बास भाई मैं सवाल करता हूं, इंडियन भाई सनातनी थोड़े से कोई सनातनी है नहीं? अली भाई आप दोनों से सवाल है, कोई सनातनी अपनी अकीदत से अपने मंदिर से प्रसाद लाके देता है मुसलमान को, क्या वो मुसलमान उसको प्रसाद को अकीदत के साथ खा सकता है इस्लामी तालीमात के मुताबिक के नहीं खा सकता? ये अब्बास भाई बड़ा प्रिसाइज सवाल है, इसका प्लीज आप जवाब दें, फिर अली भाई आप भी जवाब दे दें। आपको प्रिसाइज ही बल्कि बड़ा खोल के जवाब दूंगा इसका। कोई भी चीज, तबरक वाली चीज, कोई भी किसी बुजुर्ग के नाम पे हो, किसी वली के नाम पे हो, किसी हिंदू के खुदा के नाम पे हो, किसी के नाम पे भी हम नहीं खाएंगे, हम उसको सुन लिया। तो अली भाई यही तो कह रहे हैं, आप कहते हैं हेट फैलाते हो, हेट मोंगर हो तुम, लड़ाइयां कराते हो हिंदू मुसलमान, तो आपका धर्म ही ऐसे ही है। अब्बास भाई आपका जवाब आ गया, आपने कहा कि किसी मंदिर का किसी मजार का हम नहीं खाएंगे। भाई मेरे आपको बताया इसलिए बात ये थी, मैं चले जाऊंगा अगर आप मुझे बातें करने देंगे, अगर बीच में बार बार टपकेंगे 10 सेकंड के जवाब के बाद आप टपकेंगे तो बात बुरी नहीं होगी। अगर आप मेरे को भी जवाब दे रहे हो ना, सवाल मुझसे भी किया गया है, मैं भी क्लियर जवाब देता हूँ। आप अपना वेट करें, आप अपनी जवारी का वेट करें, मुझे अटेंशन सीकिंग कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी की स्ट्रीम में जाकर नहीं अटेंशन सीक करता 2-2 घंटे, तो मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर आपने मेरा जवाब नहीं सुनना है तो मैं चले जाता हूँ। जवाब दे दिया ना सर, नहीं
आपने उस पर एक इल्जाम लगाया कि आप हेट चला रहे हैं, ये कैसे हेट चला रहे हैं? हेट है ना, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन ले। अगर मैं बड़े प्यार से, बहुत प्यार से काऊ का बीफ का गोश्त बना के हिंदू को दूं तो वो खाएगा? बड़े प्यार मोहब्बत से दूं तो खाएगा वो? उनको लैम दूं खाएगा? जूस को मैं पोर्क दूं क्या वो खाएगा? बड़े प्यार से बना के हमारे सूप के खिलाफ बात है। अल्लाह के अलावा किसी और चीज का नाम लिया जाए, हम नहीं खाते हैं। इसमें नजर है आपके लिए, हम बड़े प्यार से कहेंगे नजर है, हम नहीं खाते हैं, नहीं हराम है, हराम है, हराम है, नजिस है, गंदा है। इसमें नफरत वाली बात नहीं है, नीची बातें कर रहा था, ये उबलन वाली बातें कर रहा है। एक मिनट, मैं तो नीची बातें कर रहा था, मैं नीची बातें कर रहा था कि ये नजिस होते, सनातनी नजिस होते, मगर ये ऊंची बातें कर रहा है, ये ऊंची बातें कर रहा है, ये प्रसाद को लेके बहुत ऊंची बातें कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो वेजिटेबल लेकर आएगा हिंदू मेरे लिए, वेजिटेबल बड़ी बना के लाएगा, मैं खाऊंगा, हजार बार खाऊंगा, उसके साथ बैठ के खाऊंगा। कहाँ लिखा है इस्लाम में मैं नहीं खा सकता वेजिटेबल के साथ? कहाँ लिखा है? वो अपनी मंदिर से वेजिटेबल लेकर आता है या मिठाई लाता है मंदिर की, मंदिर जो जिसकी उसकी आस्था, जिसमें आस्था जुड़ी हुई है। मेरा सवाल यही था, अब आप घुमा रहे हैं ना। मैंने कहा कि एक हिंदू अपने मंदिर का प्रसाद लाता है, इसमें गोश्त नहीं है सर, उसको पता है कि आप गोश्त झटका नहीं खाते, गोश्त नहीं है, वो मिठाई लाता है या कोई और सब्जी भजिया लाता है, आप वो खाएंगे मंदिर से उठा के लेकर आता है वो आपके लिए प्रसाद? नहीं नहीं खाएंगे ना आप? प्रसाद है वो, खुदाओं पे चढ़ाया हुआ प्रसाद है ना, खुदाओं के नाम। आप तो कहते हैं ना अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, वो कहां गया ये स्लोगन अल्लाह ईश्वर तेरो नाम? ये जो आप एक ही कहते हैं, अल्लाह भी एक है, गॉड भी एक है, ईश्वर भी एक है, आप मुसलमान कहते हैं ना, आप उसको आप नुमाइंदा उसके, यही पे खत्म। मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ, हो गई ना कहानी खत्म, अलग-अलग हो गए ना, ईश्वर भी अलग-अलग हो गए। मैं अल्लाह और उसकी सुन्नत का, रसूल की सुन्नत का नुमाइंदा हूँ, मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हूँ। अच्छा सुने, आपकी बेटी, अब बात सुने, आपकी बेटी अगर किसी हिंदू लड़के से शादी करना चाहेगी और आपकी रजा चाहेगी, आपकी मर्जी, आप शादी करने देंगे? क्योंकि वो भी ईश्वर को मान रहा है बेटा, वो हिंदू जो है, करने देंगे शादी आप? आपका पड़ोसी है, बहुत साथ में रहता है, बहुत मोहब्बत है उसके साथ, रहेंगे आप? करेंगे नहीं करेंगे, हाँ या ना में जवाब दें। वो ईश्वर को मानता है ना, अल्लाह को तो नहीं ना मानता मैं। नहीं तो आप लोग तो कहते हैं ना ईश्वर भी वही है, अल्लाह भी वही है, ओम अकबर आपके देवबंद के जो मौलाना कह रहे थे कि ओम जो है वो वही है, अल्लाह ही है और फला है, ये सब हम यही तो कह रहे हैं सर। अब्बास भाई थैंक यू, आपने बात बता दी कि ओम अलहदा है, ईश्वर अलहदा है, अल्लाह एक अलहदा एंटिटी है, अल्लाह एक अलहदा चीज है। ये आप अली भाई भी यही कह रहे थे कि हम तुम्हारे, हम तुम लोग नजिस हो, तुम लोग नापाक हो, हम तुम्हारे साथ बैठेंगे नहीं, तुम्हारे साथ रोटी नहीं खाएंगे। आपका मजहब भी यही कहता है कि दोस्ती अपने वाले से भी दोस्ती ना रखो, कि अगर वो शिर्क को दे फौकियत दे। कुरान की आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 2 में। सॉरी गरम, एक मिनट मोहम्मद अरबी, मोहम्मद अरबी यही बात कर रहे हैं। मोहम्मद अरबी देखिए, मुझे अली भाई से, अली भाई देखो, तो अली भाई मेरी गर्दन काटने को बात करते हैं, मगर मुझे फिर भी उनसे इतराज नहीं, क्योंकि वो सच्चे हैं। जो दिल, जो कुरान और सुन्नत कह रहे हैं वो बात कर रहे हैं, झूठ तो मुनाफिक तो नहीं कर रहे हैं, मुनाफिक तो नहीं है ना सर वो? कोई कुरान सुन्नत ऐसी बात नहीं कर रहा जो वो कह रहा है, कोई कुरान सुन्नत नहीं कह रहा। दिखाऊं कि जहां पे हुरमत के महीने गुजर जाए तो मुशरिकों को ढूंढ ढूंढ कर मारो, कत्ल करो। पूरी आयत पढ़े, पूरी आयतें पढ़े, चार आयतें पढ़े, आपको समझ नजर आएगा। चार आयतें पढ़े, चार कॉन्टेक्स्ट पढ़े, चार आयतों का पता चल जाएगा, वही मुशरिक है। दुआ की 29, जब तक अल्लाह का दीन ना फैल जाए, तुम्हारे हराम को हराम ना माने, हलाल को हलाल ना माने, उनसे जंग करो, और अगर वो नहीं मानते तो उनको जिल्लत के साथ उनसे जजिया लो। ये कहाँ की आयत है, कौन सी आयत है ये? पता क्यों आप लोग जाके मुसलमानों के चैनल पे बात नहीं करते? क्योंकि आपकी चलती नहीं है वहाँ पे, आपको आपको वहाँ पे आप म्यूट नहीं। अब्बास भाई आज है ना, अब्बास भाई आए ना, आज है ना, राजदी को ले आए। आप मुसलमान हैं ना सर, आप जवाब दें। यहाँ पे मैं आया हूँ ना, अब आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे ऊपर बोल रहे हैं, अभी आप मुझे म्यूट भी कर देंगे, आप मुझे निकाल देंगे? नहीं, कोई म्यूट नहीं करेगा सर। आप मुझे पैनलिस्ट से मैं कहूंगा, प्लीज ये कह रहा हूं ना करें, अब आप जवाब दें। आपने जितनी बातें की हैं आप हमेशा इसी तरह करते हैं, आपने बात करनी है ना, एक बात रखे उसको पूरा। सर आप सवाल करते हैं ना तो मुझे सवाल देना पड़ता है। नहीं बात सुने, आप अली भाई पे, आप अली भाई को झूठा कहते हैं, आप अली भाई को मुनाफिक कहते हो, आप अली भाई को बुरा भला कहते हो, उनके पीछे बात जब करते हैं ना तो मैं कहता हूँ नहीं अली भाई सही है, आप गलत हो, आप झूठ बात करते हो, वो बंदा सच्चा है, सच बात करता है, सही इंटरप्रिटेशन करता है। अब आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इन आयतों का वो दे जरा मुझे।
भाई जाहिर है ना, वो जब आपको इस्लाम से नफरत है, जो इस्लाम को डिग्रेड करेगा, जो इस्लाम को इस तरह करके पेश करेगा, आपके मकसद के पूरा उतरेगा, आपको लाइक करेंगे। ओ भाई बात आ गया, अपनी बकवास बंद करो, ओ अपनी बकवास बंद कर, ओ भाई अपनी बकवास बंद कर, ये जो बकवास कर रहा है ना आगे पब्लिक के अंदर कि मैं इस्लाम के खिलाफ बात करता हूँ, ओ बेला ओ मेरी बात भौंकना ना, तुम आए थे बड़ा भौंकने के लिए, और मैं आके आपको पूरा पूरा क्लियर करता हूँ, आपकी सारी मिसकंसेप्शन को दूर करता हूँ, आप यू डोंट लाइक मी, इट्स ऑब्वियस। तुम इसलिए तुम झूठ बोलते हो, मौत की सजा कुरान मजीद ने क्लियर लिखा है सर तन से जुदा। किसी हिंदू के साथ बैठ के खाना हराम है, किसी हिंदी फतवा मौजूद है, ये देवबंद का फतवा मौजूद है, इंडिया का देवबंद का फतवा मौजूद है, मैंने अभी सर्च करा है, मेरे सामने आया है, मैंने देवबंद का फतवा देखा है, फतवा दो देवबंद के अंदर है कि सनातनियों के साथ बैठ के खाना नजीज है, हराम है, कुरान में नहीं है। तो यहाँ पर आके कुरान में तो यहाँ तक है कि बाप और भाई को उसे भी दोस्त चीजें रखो, अगर वो शिर्क को उसको तो वो करे फौकियत दें। इसने भी कहा इतनी जहालत वाली बात, फिर मैं इसको शोक करता हूं, इसका कुरान में लिखा है कि मुर्तद की सजा मायदा में लिखा है मुर्तद की सजा सरतन से जुदा, ठीक है दिखाओ जी, उसका मीनिंग यही है, उसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि उन्हें ढूंढो कत्ल करो। अच्छा दिखाओ कुरान की आयत, दिखाओ उसमें लिखा है, दिखाओ दस बार दिखा चुके आपको, एक मिनट में मोहम्मद अरबी रुकिएगा, डॉक्टर इसरार ने आयत नंबर 33 के ऊपर बकायदा क्लियर उनकी वीडियो मौजूद है जिसके अंदर वो कहते इसकी एक सजा मुर्तद की भी बनती है, यानी कि इस सजा के लिए एक वाजिब जो है वो मुर्तद भी है। ये समझते हैं शायद ये इनकी इल्म जो है डॉक्टर इसरार से बहुत ऊपर का है, ये इतने बड़े लिब्रांडो हैं, यही होता है ना इन लोगों के साथ, जब कुरान में कोई चीज नहीं ना मिलती ये फिर स्कॉलर्स को ढूंढते हैं, जो स्कॉलर की बात आ जाए तो स्कॉलर तो 10 तरह के स्कॉलर होते हैं, स्कॉलर तो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब सी बातें कर जाते हैं, स्कॉलर ने भगवत गीता से रेफरेंस दिया है उसमें, एक मिनट उसमें भगवत गीता से रेफरेंस दिया, नहीं नहीं अब्बास डॉक्टर इसरार ने भगवत गीता से रेफरेंस दिया है। यार ये क्या बात कह रहा है, इसकी मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आती है, कोई इंटरप्रेट करेगा, अभी तो इतनी चिल्लाते हुए आए थे मेरे लिए, अब आवाज ही नहीं आ रही समझ में, भौंकते हुए आए थे मेरे लिए कि अली ऐसा है, अली वैसा है, अली वैसा है, अब मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, चल भाई मैं जा रहा हूँ, थैंक यू बाय बाय बाय। अब्बास भाई आप चाहे जितना बचा लें इस्लाम को, इस्लाम बचने वाला नहीं है, इस्लाम को खोल के बयान कर दिया, इस्लाम की जो खलासत है, इस्लाम के दुश्मन तो शुरू से ही है और इस्लाम हमेशा गुलदिश किया है और करता है करता रहेगा, कभी भी नहीं। आपके मौलवी रो रहे हैं, मौलवी रो रहे हैं, इल्म वाले लोग स्कॉलर्स मुसलमान हो रहे हैं, साइंटिस्ट मुसलमान हो रहे हैं, दुनिया में इस्लाम तो अच्छा कर रहा है, इस्लाम के दुश्मन हमेशा से हैं, ईरान में 50,000 मस्जिदें बंद हो गई, सऊदी अरब में लाखों बंदों ने इस्लाम छोड़ दिया, पाकिस्तान में ऑफिशियली जो वेबसाइट पे आ रहे हैं लोग वो 4,00,000 बंदा है, उसने इस्लाम छोड़ दिया, सारी गपे कोई प्रूफ नहीं है, सारी गपे वर्ड ऑफ माउथ, नथिंग एल्स। अभी आप मुझे ये कह रहे थे कि जो बातें कर रहे हैं कि आप हिंदू के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, मुझे ये कुरान और हदीस से दिखाएं कि आप हिंदू के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, कुरान या हदीस से दिखा दें मुझे, स्कॉलर नहीं, देवबंद नहीं जाएंगे हम, स्कॉलर से नहीं जाएंगे, स्कॉलर से नफरत भी बुलाते हैं, गलत भी हो सकते हैं, इंसान है हम, अल्लाह के रसूल को मानते हैं। नहीं, मैंने ये बात की थी कुरान में अगर कोई हिंदू अपना खाना लाता है, प्रसाद लाके देता है, आप इस्लाम उसको मना करता है, कुरान कहता है कि अगर आपका भाई और बाप भी अगर शर्क को फौकियत दें इस्लाम पे तो उनसे दोस्ती मत रखो। खाने की बात हो रही थी, खाने की बात हो रही थी, माँ बाप पे कहाँ चलेगी, खाने का नहीं, खाने का आप इतनी नफरत तो है ना, जब दोस्ती नहीं रखे, बात सुने, बात तो हो गई ना, मैं ये इंडियन भाई से दोस्ती नहीं रखता तो इनके साथ क्या खाना खाऊंगा, नहीं 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 शिर्क को, ये शिर्क को फौकियत देंगे तो मैं इनके साथ खाना ही नहीं खाऊंगा, सिंपल सी बात है भाई, मेरे कुरान बड़ा क्लियर है, सूरह मुमताह है ना, बड़ी क्लियर है। अच्छा अच्छा आप ये चले ठीक है अच्छा एक सवाल दें, आपके साथ अहमदी बात सुने, एक अहमदी है, अहमदी से आप अपना, अच्छा बात सुने, आप एक आप अहमदी के साथ खाना, अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे, नहीं बात सुने, अगर मौका नहीं देंगे तो आपकी बात, अच्छा सवाल कर रहा हूँ ना मैं आपसे, नहीं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप किसी
आप किसी एमडी से, आप बच्चे चाह रहे सवाल से ना, आप किसी एमडी से अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे? आपने अभी पहले मुझे सवाल कर लिया है कि आप दोस्ती कर सकते हैं, आप दोस्ती नहीं कर सकते। दोस्ती नहीं, दोस्त कुरान कहता है कि दोस्ती ना रखो, वो बताए। चले मैं बात बोलता हूँ, सूरह मुमतहना की आयत नंबर 8 और 9 क्लियर है कि तीन किस्म के लोगों से अल्लाह दोस्ती से रोकता है, तीन किस्म के लोगों से। इसका मतलब कि इनके अलावा आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। तीन किस्म के लोग कौन से हैं? जो लोग आप मुझे बोल रहे हैं, प्लीज फॉर गॉड सेक आप सब्र करें। तीन लोग कौन से हैं? वो लोग जो आपको इस्लाम की वजह से नफरत करते हैं, वो लोग जो इस्लाम की वजह से आपको घरों से निकालते हैं, और वो लोग जो इस्लाम की वजह से उन लोगों की मदद करते हैं जो आपको घरों से निकाले। अगर आप इस चीज तीन कैटेगरियों में नहीं गिरते, अगर आप गिरते हैं यू आर अ लो लाइफ, अगर आप इन तीन कैटेगरियों में नहीं गिरते देन आई कैन बी योर फ्रेंड, सिंपल इज दैट। क्लियर इतना भी मोर क्लियर देन दैट? अच्छा, जवाब आ गया आपका? आगे और आप कहना चाहें। चलिए, इन्होंने तीन किस्म के लोगों से कहा कि कुरान कहता है दोस्ती ना रखो। अब्बास, आपको मुझे लगता है कि कुरान का कोई इल्म नहीं है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 3:28, काफिर को भाई मत कहो, दोस्त मत बनाओ। ठीक है, काफिर को आपका कुरान कहता है भाई मत कहो, दोस्त मत बनाओ। सूरह मायदा आयत नंबर 5:58 में कहता है यहूद और नसारों को अपना दोस्त मत बनाओ, यानी यहूदी और नसारों। सुने सुने सुने, अगर तुमने इनमें से बनाया है तो तुम उन्हें तो मैं खुलवाता हूँ, आयत खुलवाता हूँ, इंडियन भाई बैठे हुए हैं, अगर तुम उनको अपना दोस्त बनाते। मेरा जवाब आ रहा है ना सर, आप वो जवाब लें, ऑडियंस फैसला करेगी। इस तरह से तुम दोनों चिल्लाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। सूरह मायदा आयत नंबर 5:51 और 5:82 में अल्लाह ताला कहता है यहूद और नसारा मुशरिकों को अपना दोस्त मत बनाओ, अगर तुम बनाओगे तो तुम उन्हीं में से होगे। सूरह तौबा आयत नंबर 9:23 में कहता है यहां तक के अपने बहन भाई और को भी अपना दोस्त मत बनाओ कि अगर वो शिर्क को फौकियत दें। और सूरह ये सारे जब क्या कहते हैं, ये चार मैंने अभी आयतें पेश की, में से 4-5 और भी हैं। आपके कहने का मतलब है सूरह मुमतहना, आपने जो नहीं सुने तो आपने जो सूरह मुमतहना पेश किया है ना, जवाब तो देने देना। सूरह मुमतहना का कहते हैं कि जिस तीन किस्म के दोस्त हो अलहदा स्पेसिफिक उन्होंने कुरान ने बता दिया कि इन किस्म के दोस्तों को तो बिल्कुल दोस्त ना बनाओ जो इस्लाम से नफरत करे, वो तो कोई भी नहीं करेगा। जब आपके कोई धर्म से नफरत करेगा तो आप नहीं उससे दोस्ती करेंगे। तो क्या कहते हैं, अब आप आ जाए, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि कुरान में कंट्राडक्शन है। एक तरफ कहते हैं सूरह आले इमरान, सूरह मायदा, सूरह तौबा कि काफिर और दोस्तों अपना क्या नाम है यहाँ पे एडविन इंडियन है जो भी है, प्लीज ये आयतें खोलें जरा, मैं इनको एक एक करके दोबारा से पेश करता हूँ। जी जी, सूरह आले इमरान की आपने कहा था 23 नंबर आयत है, वो निकालें। सूरह आले इमरान की 28 नंबर आयत है, 3:28 में अल्लाह ताला कहते हैं काफिर को भाई मत कहो, दोस्त मत कहो। सामने लगाएं मेरे भाई, सामने लगाएं, आए सामने लगाएं, फिर बात होगी। आपको मालूम है जो एडमिन है यहाँ पे, कोई एडमिन मौजूद है का एक मतलब वो साइट में जो बात हो रही है, वो इंडियन भाई है और सोहेल भाई दोनों स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। इंडियन भाई अच्छा, आप सुन रहे हैं? इंडियन भाई आप शेयर करें 3:28 में क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, जरा हम वो भी सुन। साइट में प्रोटेक्टर्स की बात हो रही है, दोस्त की बात नहीं है। प्रोटेक्टर वो दोस्त है, वो मैं बताता हूँ ना, आप जो यहाँ पे बनाए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, इंडियन भाई आ रहे हैं। ये देखिए, मोमिनों अहले ईमान को छोड़कर काफिरों का अपना रफीक और दोस्त हरगज ना बनाए, जो ऐसा करेगा अल्लाह इसी का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये माफ है कि तुम इसके जुर्म से बचने के लिए झूठ बोल दो। अल्लाह ताला ये कहता है झूठ, औलिया का मतलब दोस्त है, औलिया का मतलब अपना रहबर है, औलिया का मतलब अपना। औलिया आपकी बहस हो चुकी है सीपी के साथ, और सीपी के सीपी पे वो पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है। औलिया जो है वो फ्रेंड के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो इसमें मौलाना मौदूदी साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक, औलिया रफीक और दोस्त का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अभी हम औलिया का मीनिंग भी निकाल लेते हैं। औलिया, औलिया का मतलब दोस्त भी होता है, प्रोटेक्टर भी होता है। हाँ, इस मामले में होता है, दोस्त है, होता है। अच्छा, जो दोस्त होगा वही प्रोटेक्टर होगा कि दुश्मन आपका प्रोटेक्टर बनेगा? हर दोस्त आपका प्रोटेक्टर नहीं होता। प्रोटेक्टर इस मामले में सूरत हाल है मुसलमानों की काफिरों के साथ। अच्छा, अरबी में औलिया दोस्त को भी कहते हैं। अरबी जो तमाम जो स्कॉलर्स हैं वो उसको दोस्त और रफीक का तर्जुमा कर रहे हैं। आपने वहां पे कह दिया कि नहीं वो सिक्योरिटी गार्ड हो गया, वो ये हो गया, प्रोटेक्टर हो गया। आप अपना एक अलहदा जलेबी तलते हैं। कुरान वाजे है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पाकिस्तान में लोग अहमदियों और शियों के साथ खाना तक पसंद नहीं करते। तो मैंने पूछा क्यों नहीं खा रहे, तो कहते हैं ये काफिर है,
ये शिर्क करते हैं, एक कुफर करते हैं, हम नहीं इनके साथ बैठेंगे, लड़कियों का रिश्ता तक नहीं देते उनको। कहाँ की बातें करते हैं बाज आगा साहब, आप जानते हैं मेरे से बेहतर। तो वो तो हिंदू और सनातनी तो बहुत दूर की बात है। अपना इंडियन भाई आपने आयत लगाई, स्क्रीन लेके आ जाना। तीन की 28 है और एक सूरह माईदा खोल लें, 51 है। यहूद नसारा को अपना दोस्त मत कहो, ये औलिया का मतलब यहाँ पे सब दोस्त और रफीक कहा गया है, जगह जगह रफीक को। और जो इनका स्कॉलर जो इसका लिखते हैं इसके बारे में वो यही कहते हैं इनसे दोस्ती मत करो, इनसे अपना दोस्त मत बनाओ, मुसलमानों से दोस्ती करो। या और 9:23 में भी यही कहा गया है कि अपने इनको बहन भाई, यहाँ तक अपने बहन और बाप को भी दोस्त नहीं कहो, इनको अपना दोस्त नहीं रखो, जबकि अगर वो कुफर के मुकाबले में इस्लाम को काबू करते हैं। 9:23 खोल दें, चले 9:23 खोल दें, वो ज्यादा वाजे है जी। 9:23 हाँ जी, मैंने शेयर कुरान एक 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 देखें, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अपने बापों और भाइयों को अपना रफीक ना बनाओ अगर वो ईमान पे कुफर को तरजीह दें। देखें यही अल्लज़ीना आमनू ला तख्तदू अबाकुम अहवानकुम औलिया, यहाँ पे भी औलिया का मतलब इन्होंने रफीक और दोस्त कहा है 9:23 में भी। शेयर ही नहीं हो रही आपकी अनिल भाई, आप डायरेक्ट आप नहीं कर सकते इसको, नहीं कंट्रोल नहीं है मेरे पास, अगर होता तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो नहीं होती। खैर एंजल जी मेरी स्क्रीन ले लीजिए। एंजल जी ये अपने इंडियन अपने भाई हैं, प्लीज इनको अथॉरिटी दे दें जी। जी लागे भाई, आज मेरा वाईफाई और बारिश सब एक साथ हुआ जिसके कारण मुझे लग रहा है कि ये मेरा जो स्ट्रीम है ये वीडियो को ही प्राइवेट करना पड़ेगा, जितना बहुत ज्यादा यहाँ पे गाली गलौज हुआ है जी। देखें कोई नहीं, जी देखें कर ले, देखेंगे आगे, जाने दें, कोई मसला नहीं है। देखें ओ बिलीवर, डू नॉट टेक योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, पेरेंट्स और सिबलिंग्स बहन भाइयों को एज अ ट्रस्टवर्थी अलाइज इफ दे चूज दिस बिलीव्स और बिलीव एंड हूएवर वी डू सो दे आर द ट्रू रॉन्ग रूल्स, जो करेगा वो उन्हीं में से होगा, वो गलत कर रहा है। इस्लाम इस बात में बहुत वाजे है अब्बास आगा साहब, कि वो वाजे कहता है कि नॉन मुस्लिम के साथ आपने ना उठना बैठना है, दोस्ती नहीं करनी, मजबूरी में अगर आपको जान को खतरा होगा तो यहाँ तकिया किया गया है कि जैसे मैं किसी हिंदू से मिलता हूँ तो मैं उसको कह देता हूँ हाँ, जैसे आप तकिया कर रहे हैं ना सर, तकिया मतलब इस्लामी झूठ है, आपका कुरान झूठ बोलने की तालीम देता है। ऑडियंस देखें, पैनलिस्ट बैठे ना, इसके बाद हम इनसे पूछेंगे कि मैं सही कह रहा था या आप सही कह रहे थे, जो ऑडियंस है वो वोट करेंगे, आप अपनी बात करें प्लीज। ये भी आयत ले लीजिएगा, ये आपके औलिया है ना, तो इन्होंने और क्या कहना है। औलिया अरबी में औलिया का मतलब दोस्त रफीक होता है। मैं कोई इनको पैसे देता हूँ और कसम से मैं यानी के आपके अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, आपकी कसम खा के कहता हूँ, ना मैंने एंजल सिस्टर को 1 रुपया दिया, ना ये सुहेल साहब को 1 रुपया दिया, ना मैंने कोरोना साहब को 1 रुपया दिया, ना इंडियन साहब को, किसी को भी अगर मैंने कोई पैसे दिए वो बताए मुझे, बल्कि लेने वालों में से हूँ, मैं देने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कब कहा है ऐसी बात, मैंने कब कहा है ना कि आपके वो है, आप मैंने कब कहा है आप पैसे दे रहे हैं, मैंने कब कहा है पैसे दे रहे हैं, ये अच्छा ये मुफ्ते में ये सच को छोड़ के मैं जहाँ तक देखता हूँ कि एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड, आप सब सेम बोट। अच्छा आप जवाब दे सर, मेरा जवाब मेरा ये है कि जब ये आयतें आ रही थी उस जमाने में, काफिर इस्लाम के दुश्मन थे वो, रसूल को मारना चाहते थे, वो मुसलमानों को तबाह करना चाहते थे, वो इस्लामिक दुश्मन थे, वो सब फटे हुए थे, उन्हीं में से मुसलमानों में से उनके भाई और बेटे भी, भाई और बाप भी, वो भी उन मुशरिकों के साथी थे जो कुफार थे, कुरैश के थे, और उनकी जैसे वो लड़ना भी चाहते थे। अल्लाह सुब्हान तआला ने कह दिया कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई दुश्मनों में से हैं, तुम उनको उनके साथ अलायंस क्यों बनाते हो, तुम उनके साथ इतनी दोस्ती क्यों जोड़ते हो, उनको तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम्हारे रसूल और अल्लाह के दुश्मन है, ये बात हो रही है। दूसरी आप बात समझे, कुरान ने कहा है कि आप यहूदी औरत के साथ शादी कर सकते हैं, ईसाई औरत के साथ शादी कर सकते हैं। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान नहीं है आप उसको दोस्त ना बनाएं, लेकिन दूसरी तरफ कुरान कह रहे हैं आप उनसे शादी कर सकते हैं, और रसूल कह रहा है तुम्हें से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ सबसे बेहतर है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो हमारी दुश्मन है लेकिन हम उससे शादी कर सकते हैं और उसकी लुकावट भी कर सकते हैं, फिर मुमतहना बड़ी क्लियर है।
ममतैना तो बड़ी वाजे है, आयद है, वो मुतशाबी आयद भी नहीं है, मुकमात में से है, क्लियर है कि आप तीन लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, उसके अलावा आप सबसे हुस्न सलूक कर सकते हैं, अल्लाह सिर्फ इन तीन दो लोगों से रोकता है। तो कुरान को आपने समझना है, होलिस्टिकली समझना है, आयत बाय आयत नहीं समझना, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ये आयतें आपको लग रही हैं कि ऑपोजिट बात कर रही हैं, लेकिन ये सिनोनिमस हैं, इनमें कोई तजाद नहीं है। यहाँ पे एलाइज प्रोटेक्टेड की बात हो रही है, जंग का हालात है, जंग के माहौल है, आप उनसे दोस्ती क्यों बढ़ा रहे हैं, ये बात हो रही है। ये हो गई मेरी बात, आगे जवाब आप और बोलना चाहते हैं दे दें, मैं सबका जवाब दे दूंगा। आपने तीन चार पॉइंट उठाए, अब्बास साहब ने आयतों में तीन चार जवाब दिए हैं, कुरान को ऑब्सोलीट फर्स्ट ऑफ ऑल करार दिया है, वो कहते हैं ये उस वक्त की आयतें हैं, ये मौजूदा दौर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। पैनलिस्ट इस बात को प्लीज नोट रखें कि कुरान आधे से ज्यादा ऑब्सोलीट हो चुका है। नहीं, आपका मतलब यही निकलता है ना कि उस वक्त की बातें हैं, अभी जो ये लहक लहक के पढ़ते हैं वो इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर जब सूरह तौबा आई थी तो सर मेरा जवाब ही नहीं आप सुन रहे ना, मैं अपना जवाब दूंगा फिर आप जवाब देंगे ना, तो आप जवाब दिएगा ना। आपने भी कहा ना कि उस वक्त की आयतें हैं, ये सारे पैनलिस्ट सुन रहे हैं ना, उस वक्त जंगे चल रही थी तो ये हो रहा था। नहीं अब्बास भाई आप नहीं, अब्बास भाई आप भी वो कर रहे हैं ना, मुझे बोलने दे ना, मुझे बोलने दे, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, आप बाद में डिबंक कर दिएगा इसको, बात को झूठा साबित कर दिया। अब्बास भाई ने कहा कि जनाब ये उस वक्त की आयतें हैं जब जंगे चल रही थी, ऑब्सोलीट हो चुकी है ये आयतें, इनका आप कोई मकाम नहीं, कोई औकात नहीं है इनको पढ़ना, इनको रखना का कोई मकसद नहीं है। और जबकि सूरह तौबा जो है वो सबसे आखिर में आई थी, सब जंगे वगैरह सब खत्म हो चुकी थी, अमन का टाइम था, मुसलमानों की पावर थी, मुसलमानों की हुकूमत थी, तो इससे ये बात जाहिर होती है कि उस वक्त जब पावर में भी आ चुके थे तब भी इन्होंने यही आयतों को कोट किया गया। तीसरा, इन्होंने ये जवाब इस पे बाज भाई ने बात की कि जनाब वो मुसलमानों को घरों से निकाला और मारा, जबकि कुरान खुद कहता है कि जो लोग हिजरत नहीं करते मोहम्मद तुम्हारे साथ, जबकि तारीख इस्लामी इस बात की गवाह है कि मुसलमान मोहम्मद अपने 86 बंदों को लेके खुद हिजरत करके गए, और कुरान भी इस बात की गवाही देता है कि जो हिजरत नहीं करते वो तुम में से नहीं है, उनको छोड़ दो। कुरान यहाँ झूठ बोलता है अगर ये कहता है कि उनको निकाला गया घरों से, बल्कि उन्होंने तो कुफारे मक्का ने यहां तक कहा कि जो बच्चे इनके पाल रहे थे उन्होंने कहा हम ये बच्चे नहीं अपने वापस ले लेंगे तुमसे अगर तुम जाओगे, तो मुसलमानों का नहीं नहीं ये जाके चुपके चुपके गए, और हजरत अबू बकर तो बाद में गए और बहुत से साहबी तो बाद में निकले, अगर निकाला जाता तो सबको एक साथ निकाला जाता, ये इनकी बात यहाँ पे गलत साबित हुई। फिर इन्होंने कहा कि कुरान में सूरह मुमतहना में कहा गया कि यहूदों ने सारा से दोस्ती कर लो, जबकि कुरान वाजे तौर पे कहता है कि मुशरिक औरत से शादी तुम नहीं कर सकते, इवन एक अगर हिंदू बंदा या मुसलमान औरत हिंदू से शादी करती है तो इस्लाम कहता है कि वो जना कर रहे हैं, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी जानी है, उनको भी वो लेजिटिमेट इस्लाम कबूल नहीं करता, क्योंकि नॉन मुस्लिम से इस्लाम इजाजत ही नहीं देता शादी करने की। तो ये कह रहे हैं कि दोस्ती तो दूर की बात है, वो तो शादी करने की इजाजत दे रहा है, जबकि कुरान तो मना कर रहा है कि मुशरिक औरत से मुशरिक मर्द से आप शादी नहीं कर सकते। और मैं ये आयत भी पेश कर देता हूँ, और तीन आयतें मैंने आगा साहब से पेश की कि देखें इसी तमाम आयतों में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि इनको दोस्त मत बनाओ, इनको रफीक मत बनाओ, इस्लाम पे जो फौकियत दें, जो शर्क को फौकियत दें, उनके साथ कोई दोस्ती ना करे। तो ऑडियंस अब हम दोनों ने पॉइंट पेश किया, इस टाइम पैनल में हमारे एक दो तीन चार बंदे बैठे हुए हैं, सर आप बताएं, आप लोग वन बाय एक छोटे छोटे से फिक्र से बताएं कि कौन बात सही आपको समझ आ रही है, किसकी बात गलत साबित आ रही है, और जो सर और जो कमेंट्स में बैठे हुए लोग वो भी प्लीज बताएं कि क्या मोहम्मद अरबी की बात सही है या अब्बास आगा की बात सही है। मैं अपनी रेफरेंस से ये बात खत्म नहीं हुई, आपने मेरे को झूठ बांधा कि मैंने कहा कि ये आयतें ऑब्सोलीट हो गई हैं, इन आयतों की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा? आपने इंडियन भाई बताएं, इन्होंने कहा ना ये उस वक्त की आयतें थी जब जंगें चलनी थी, अभी इनका कोई ताल्लुक नहीं। नहीं मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जब ये आयत नाज़िल हो रही थी उस वक्त सिचुएशन ये थी, ये आयत यानी कि आपका कहने का मतलब है ये सिचुएशन इंडिया में अभी भी होगी तो यही आयतें एक्टिवेट हो जाएंगी, दोबारा से इंप्लीमेंट होगी, आप ये कह रहे हैं ना, इसका मतलब यही है। नहीं आप सवाल करता हूँ ना आप, चले ठीक है बोले, मैं जवाब देने लगा ना, आप सब्र करें, मैंने ये कहा कि जब ये जो आयत आई है ऐसी सिचुएशन थी तो इस सिचुएशन में ये आयत आई है, और मैं ये कह रहा हूँ कि आयत ऑब्सोलीट नहीं हुई है, जब भी कभी दुनिया में ये सिचुएशन मुसलमानों पे बनेगी ये आयत उससे नाजिल होगी, ये हमारी हुक्मरानी करी, हमें गाइड करेगी, ये आयत गाइडेंस है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जैसी उन पे आई थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो हमें क्या करना है, उन्होंने क्या किया था हमें क्या करना है, इसलिए ये आयत वो ऑब्सोलीट नहीं है, ये अभी भी लागू है। लेकिन जब ये ऐसी सिचुएशन नहीं होगी तो फिर आप कहेंगे कि इस आयत को उस पर लागू करें, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, ये सिचुएशन के लिहाज से देखा जाएगा, ये बात है। फिर आपने बात की क्या वो बात लेके कि वो तो हिजरत की नहीं उन्होंने,
आपने गोलमोल बात की, आपने कोई नई चीज दिखाई, और मैं भी बाहर हूँ, मेरे पास भी कोई हवाले नहीं है, लेकिन मैं आपको हवाले दिखा दूंगा जिसमें कुरान ही कह रहा है कि इन लोगों ने तुम्हारे घरों से निकाला, जिन लोगों ने तुम लोगों को तुम्हारे घरों से निकाला उनसे अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि इनसे तुम लड़ो। ये क्या बात हो रही है, किन घरों से निकाला? मदीना से तो नहीं निकाला ऑब्वियसली, ये जाहिर है मक्का से ही निकाला है, कुरैश ने निकाला है, और जाहिर है जो हफ्शा में गए हैं, हफ्शा तक इन्होंने चेज किया है कुरैशों ने, उनके पास इनके पास जाके इनको वापस दो, ये हमारे से भागे हुए लोग हैं। ये पूरी हिस्ट्री में भी है, कुरान में भी है, हदीस में भी है। आपने झूठ बोला कि उन्होंने मुसलमानों को नहीं निकाला, ये खैर ऑफ द टॉपिक बात हो जाएगी। फिर आपने कहा आपने मुझे तीन आयतें दी, चार आयतें दी, उन सब आयतों का मैंने यही जवाब दिया है, वो सिचुएशन के लिहाज से थी, उस सिचुएशन में काफिरों से दोस्ती करना गलत बात थी, क्योंकि वो डिफरेंट ग्रुप था, वो अपोजिट ग्रुप था, दुश्मनों का ग्रुप था। आप अपने जो आपको तबाह करना चाह रहे हैं आप उन्हीं से दोस्ती बढ़ाओगे, आप कहां से मुसलमान हो? आपके पहले इस्लाम पहले है कि आपकी कौम पहले है? इस्लाम पहले है कि फैमिली पहले है? नहीं, इस्लाम अल्लाह अल्लाह का दीन सबसे पहले है, फिर आपका जो दूसरे लोग पहले है, माँ बाप उस वक्त पहले है जब तक वो इस्लाम के दुश्मन ना हो, जब वो इस्लाम के दुश्मन हो जाए तो वो फिर पहले नहीं है, फिर अल्लाह सबसे पहले जो हमारा खालिक है क्रिएटर है। ये आयतें वो बात कर रही है, ये नॉर्मल सिचुएशन की बात नहीं हो रही है कि नॉर्मल सिचुएशन में आप दोस्ती नहीं कर सकते, वो सूरह मुमतहन है, क्लियर है, तीन लोगों के साथ दोस्ती नहीं है, बाकी सबके साथ दोस्ती है, क्लियर जवाब है जी। और वो मुश्रिक औरतों वाला भी जवाब दें जरा जी। जी मुश्रिक औरतों के साथ शादी नहीं कर सकते आपसे। हाँ तो आपने क्यों कहा कि जी यहूद नसारा के साथ कुरान तो कहते हैं, अभी आप अपनी बात देखिए, अपनी बात से खुद मैं जवाब देता हूँ, ठीक है बात खानी आपकी हो गई पूरी, बहुत टाइम ले लिया। अच्छा अब्बास आगा साहब ने मुझे कहा नहीं, इंडियन भाई, इंडियन भाई और सुहेल भाई, इस टाइम आप ये मुझे वो आयत दे सकते हैं जिसमें अल्लाह ताला लानत करता है कि वो लोग जो तुम्हारे मोहम्मद जो तुम्हारे साथ हिजरत नहीं करते, हमने यानी कि वो तोड़ दी है, यानी कि जो मायदा था वो खत्म कर दिया, वो भी उसी आयत में है, और उसमें इसी आयत में, अच्छा उसी आयत में ये है कि वो लोग जो ए मोहम्मद तुम्हारे साथ हिजरत नहीं करते वो तुम में से नहीं है, तुम्हारे नहीं है, तो इसके मतलब हिजरत नहीं करते कि मतलब वो अपनी मर्जी से मुसलमान रह रहे हैं, इसके मतलब नहीं निकाला। अगर इंडियन भाई मुझे या ये एंजल सिस्टर यहाँ से धक्के दे के सिस्टम से निकालना चाहें और मुझे और इंडियन भाई को, और इंडियन रह जाते हैं, तो उसके मतलब एंजल सिस्टर नहीं निकालना चाह रही है, मैं खुद अपनी मर्जी से जा रहा हूं, अपनी मर्जी। कुरान कहता है कि जो लोग हिजरत नहीं करते वो तुम्हारे साथ नहीं है, यहीं पे बात गलत हो गई। अभी अब्बास आगा भाई ने खुद मान लिया कि मुश्रिक औरतों से कुरान मना करता है, और उससे पहले कह रहे थे कि नहीं नहीं यहूद नसारा से कहते करते करते कर कर करने की इजाजत दी है, शादी करने की इजाजत दी है मुस्लिम के साथ, यहाँ पे इनकी बात डिफर हो गई, खत्म हो गई। फिर एक चीज नाजरीन, बहुत साल 3-4 साल की बहस के बाद आई एम रियली थैंकफुल टू द अब्बास आगा, ये हम शुरू से, मैं और अली भाई शुरू से ये उठा रहे थे, हम लोग ये कह रहे थे, इंडियन भाई भी ये समझ रहे होंगे, एंजल सिस्टर आप भी बहुत अरसे से प्रोग्राम कर रही हैं, आप भी जलेबियां सुनती होंगी कि नहीं नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, जबकि हमारा स्टैंड ये था कि जब मुसलमान ताकत में आएंगे यही आयतें दोबारा से पेश की जाएंगी, और इन्हीं हिंदुओं सनातनी भाइयों को कत्लेआम किया जाएगा, मारा जाएगा, इनको घरों से निकाला जाएगा, इनके खुदाओं को गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी। आज अब्बास आगा साहब ने ये चीज को प्रूफ कर दिया कि जैसे ये इस किस्म की सिचुएशन होगी हम ये दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे। तो थैंक यू अब्बास आगा, आपने ये बात को बयान करके जनाब हमारी बात को सच्चा साबित कर दिया, तो क्या कहते हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरी वो आयत मैं भी दिखाता हूँ इंडियन भाई, अगर आपके पास हो जिसमें वो अल्लाह ताला कहते हैं जो तुम्हारे साथ हिजरत नहीं करते वो तुम्हारे में से नहीं है, उनका भी प्लीज वो आयत पेश करें जरा। और जो सर जो कमेंट में बैठे हुए प्लीज वो भी प्लीज अपने पॉइंट्स डालें कि कौन सही बात कर रहा है और आगा साहब कहाँ की बात कर रहे हैं। आगा साहब ने एक चीज तो मान ली कि भाई जब भी हम पावर में आएंगे या हमारी सिचुएशन ऐसी होगी ये सूरह तौबा, सूरह मायदा, सूरह आले इमरान ये दोबारा से इंप्लीमेंट हो जाएंगी, ये अब्सलीट नहीं है, जो ये कहते थे ना कि अब्सलीट है, पुराने वक्त की कहानियां किस्सा पारदीनियां बन चुकी है। थैंक यू अब्बास आगा साहब, कहा है आगा साहब, चले गए, आ जाएंगे, कोई नहीं, नेट कट गया उनका। आवाज आ रही है इंडियन भाई आपको? चले गए जी। आप पैनलिस्ट बताएं, आप भाई बताएं भाई कि मैं सच्चा था, एंजल सिस्टर आप बताएं मैं सच्चा था या अब्बास आगा की बात सच्ची थी? नहीं आपकी बात सच्ची, मुश्रिक औरतों से शादी कुरान मना करता है, ये कह रहे हैं नहीं शादी कर सकते हैं, और बाद में कहते हैं कि नहीं नहीं कर सकते, बाद में कहां मना किया है, इन्होंने माना ना, फिर ये कहते थे आयते कहते थे ये पुरानी वक्तों की कहानी है, अब नहीं चलती है, अब इनका पे कोई मुसलमान अमल नहीं करेगा, जो भी आता है जो भी डिबेट में आता है कि नहीं कहता नहीं, अब्बास आगा ने कहा नहीं जब भी मौका होगा हम दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, इन आयतों को दोबारा से हम शामिल करेंगे।
भाई कुरान तो यहाँ तक प्रिसाइज है कि अपने आ जाएंगे आ जाएंगे, कहीं नहीं जाते। कुरान एक्सपर्ट की आवाज धीमी हो गई फिर से जी। कुरान एक्सपर्ट कह रहे हैं मिस्टर अरबी सही हैं, और जितने हमारे साथ 160 के करीब बंदे बैठे हुए हैं, प्लीज तमाम अपने अपने कमेंट्स डालें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें इस वीडियो स्ट्रीम को और सपोर्ट करें फाइनेंशियली, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये लोग अपना कितना कीमती वक्त दे के इस स्ट्रीम को चलाते हैं, अपनी जानों पे रिस्क लेके चला रहे होते हैं। तो प्लीज मेरे जितने भी भाई बैठे हुए हैं उनको जरूर सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें। अरबी अरबी नाम साहब जी, अरबी साहब अब वो नहीं आने वाला और कुछ देर में साजिद भाई की भी स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी जी। मैं दीपिति वर्मा जी अपनी बहन सिस्टर को भी चलिए, मैं जितने भी हिंदू बैठे हैं सब इनको ये कहना चाहता हूँ कि आज आपने सुन लिया बस आगा, जो बहुत ज्यादा लिबरल मुस्लिम है, पोलाइट मुस्लिम है, बहुत अच्छे मुस्लिम है, मैं समझता हूँ गाल गलोच नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते, इन्होंने आज ये माना इस स्ट्रीम में कि ये आयतें दोबारा से एक्टिव हो जाएंगी, इन आयतों पर अमल होगा जी। ए जे मिनहास साहब भी कह रहे हैं बाज आगा गलत हैं, लिपस्टिक मुस्लिम है ये जी जी। कब शुरू हो रही दूसरी स्ट्रीम? अभी थोड़ी देर के बाद ही उनकी स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी, वैसे उनका टाइम 10 बजे था तो अच्छा। वैसे भी आज बहुत ही बेकार गया स्ट्रीम। क्यों क्या हुआ? मैं तो बहुत देर से जुड़ा इसको, मतलब मुझे पता नहीं हो गया था, सिर्फ बीच में एक थोड़ा सा इंसिडेंस ऐसा था निकाल दिए उसे काट दिएगा स्टूडेंट को। ठीक है एंजल दीदी, इतना सीरियस लेने का, इतना टेंशन लेने का कोई ये नहीं है, बाकी स्ट्रीम बहुत अच्छी रही, डिस्कस काफी हुआ, अच्छा करना बात, बातचीत भी काफी हुई, और खास करके ये लास्ट वाली डिबेट हो गई अली भाई की और आगा की भी, आगा भाई की भी डिबेट अच्छी रही। तो हम काट के खैर अब्बास आगा वाला डालेंगे क्योंकि जो नॉन मोमिन आते हैं ना तो उनकी बात लेकर उनको बात ले लिया करो, उनको मुस्लिम के साथ में डिबेट में अगर डालोगे तो वो प्रॉपर नहीं होता है। वो जो दीदी आई पिया दीदी वो आकर वो उनके जगह पे बराबर थी। अच्छा करना भाई और वो अपना इंडियन भाई वो आयत प्लीज मुझे याद नहीं आ रही है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे साथ हिजरत नहीं करते, सूरह तौबा की आयत कौन सी है मैदा की, कि वो तुम्हारे में से नहीं है उनको छोड़ दो, वो आयत भी हम पब्लिक को दिखा देते हैं ना, कि ये कहती है झूठा बयान देते हैं, ये झूठा एक दावा करते हैं कि जी घरों से निकाला, घरों से निकाला, हजरत मोहम्मद अपनी मर्जी से गए हैं मक्का छोड़ के कुफारे। अच्छा कल मैं कह दूं सर इंडियन भाई आपको, आप लोगों ने हमें घरों से निकाल दिया, इंडिया से निकाल दिया, हमें पाकिस्तान में जाना पड़ा, बनाना पड़ा, आप लोगों ने बनाया, ये मेरा ये दावा दोस्त होगा आपके लिए? नहीं, कल पाकिस्तानी ये कहना शुरू कर दें जी हमें तो हिंदुओं ने निकाल दिया था वहां से, इंडिया से हमें काट दिया, ये इसी तरह का दावा है कि ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अरबी को निकाला गया, वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं, इनकी इस्लामी किताबें कहती हैं खुद गए हैं, 13 साल में 86 बंदों को मुसलमान किया उन्होंने सर। ये भी तो आयत है कि अगर जो है क्या अल्लाह की जमीन पोशादा नहीं है, मतलब कि जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर, हाँ वो सूरह मोहम्मद में है, उसके जहाँ पे अल्लाह का निजाम नहीं है, जहाँ पे अल्लाह का दीन नहीं है, वहां उस जगह को छोड़ दो, वो तो अलहदा कहानी है, पर एक और आयत में तो अल्लाह ताला नाराज हो रहा है उन लोगों पे जो हिजरत नहीं करते और उनके ऊपर गजबनाक होता है, कहता है कि इन लोगों इनको छोड़ो, ये तुम्हारे साथी नहीं है जो तुम्हारे साथ हिजरत नहीं कर रहे, ये सूरह मायदा ही में ही है 33 की आयत के इर्द गिर्द है, मैं भी देखता हूँ, देखें आप अभी निकालते हैं पब्लिक को जरा जी जी। एक बात और बोलना चाहते है अरबी भाई, एक बात और बोलना चाहते, आपकी आवाज फिर से बहुत धीमी हो गई है जी जी, वो मेरा माइक नीचे चला जाता है, क्या बोलते हैं इनवाइटर नहीं होने की वजह से आज इतना ज्यादा जो इतना ज्यादा जो कचरा रायता फैला, क्योंकि इनवाइटर नहीं था, लाइट कटा, वाईफाई बंद हुआ, इनवाइटर नहीं रहने के कारण, मतलब क्या ही बता, इतना ज्यादा एंजल जी गुस्सा आ रहा था। एंजल जी आप तो ड्रॉप हो गई थी, मतलब आप तो ड्रॉप हो रही थी, यहाँ कमेंट में गालियां मुझे पड़ रही थी कि मैं लिबरल हूँ या मैं जो है उनको बोलने दे रहा हूँ, मैं उनको कैसे बताऊँ कि मेरे पास ना कोई कंट्रोल है ना कुछ है। मुझे गालियों पे गालियां पड़ी है आज मुफ्त की। नहीं
हाँ, और हमने सोहेल भाई से पूछना, बार बार जा रहे थे बस इतना पूछने कि सोहेल भाई आपके पास एक्सेस है तो जिनको रखना है निकाले और रखे, पर हम इतना तक नहीं बोल पा रहे थे भाई। तो मुझे आज बहुत ज्यादा सच में अपसेंट हुआ, मन बहुत ज्यादा अपसेट हुए, क्योंकि यार इतना मतलब क्या है, क्या कैसे कर सकते अगर इतना करे। मेरे पास एक ये नहीं है, अब इन्वर्टर नहीं है, बैटरी नहीं है, फिर अब तो जब तक कोई कोई दिक्कत नहीं है एंजल जी, वो बैक स्टेज में बात करेंगे एंजल जी, बैक स्टेज में बात कर लेंगे उसकी। अच्छा, अभी अपना तीन सुपर चैट है वो ले लें। हाँ, सुपर चैट ले लें, सुपर चैट ले लें। हाँ, ये लेते और फिर स्ट्रीम को क्लोज करते, क्योंकि आज बहुत बेकार सा गया, मूड ही ऑफ हो गया बिल्कुल। जी, द हंटर भाई का है और आप ले लीजिए, इंग्लिश है ये। अच्छा, द हंटर भाई का 100 इंडियन रुपीस का सुपर चैट है, वो लिखते हैं, आई डिसएग्री विद दिस फीमेल कॉलर। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मोहम्मद अली इज ओनली क्वेश्चनिंग इंडियन मुनाफिक मोमेंट्स। I think this caller is not following Muhammad Ali. No offense to anyone. जी आपकी बात आ गई, मैंने आपका तभी पढ़ लिया था, लेकिन वो क्या है ना कि अब उनसे मैं कह रहा था कि आप खामोश हो जाए, लेकिन वो मानने को नहीं तैयार थे। चलिए, मनोज यादव जी का भी 100 रुपीज का सुपर चैट है, हम पैसे को लक्ष्मी मानते हैं, पूजा पूछते भी हैं, झोपड़ी वालों गवर्नमेंट स्कीम और राशन का बेनिफिट लेने के बाद लेना बंद करो, और हमारा टैक्स से देते सिर्फ 3% हो गदो। हाँ, हमारे टैक्स से देते सिर्फ 3%। जी, सभी का थैंक यू सो मच, और आप लोगों का खासकर जितने हमारे पैनलिस्ट हैं संभाले मेरे ना होने के बावजूद, भी शुक्रिया। जी हम नहीं किसी को एक को आप नहीं नहीं एंजल सिस्टर किसी एक को ना आप जो ट्रस्टवर्दी बंदा है, जैसे इंडियन भाई हैं या करना भाई हैं, इनको आप एडमिन पावर दे दें ताकि वो उसको यूज करें, और अगर कोई मिस यूज करता है चाहे मैं ही क्यों ना हूं, उसकी एडमिन पावर खत्म कर दें, दैट्स इट। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है, तो बेहतर रहेगा। थैंक यू फॉर बैक स्टेज में बात करेंगे, उनका डिस्कशन होना लगा गाइस, तो माफ कीजिएगा क्योंकि नहीं देखें ब्लास्टन एंजल सिस्टर लाइव स्ट्रीम में ऐसा हो सकता है, लाइव चलाना बहुत मुश्किल होता है, बड़े बड़े आलिम जो है वो नहीं लाइव आते, बड़े बड़े लोग सियासी पॉलिटिशियंस लाइव आते हैं, उनकी हालत खराब हो रही होती है, लाइव आना इतना आसान नहीं होता है, उसको रन करना दैट्स रियली एक टास्क है कि ना। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू, आप करें बात करें प्लीज। सॉरी, जी थैंक यू, थैंक यू सभी का, और मिलते साजिद भाई के स्ट्रीम में सब लोग फिर। ओके, थैंक यू, थैंक्स ऑल, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।